अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें आबाद रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर द स्कूल का रिव्यू कराऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपने कैसे इसे ऑपरेट करना है। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो रिव्यू है हमारी डाटाबेस द स्कूल का और उन कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने मुझसे ये परचेज़ की हुई है और उन्हें समझ नहीं आती कि हमें कैसे इसे ऑपरेट करना है। छोटे छोटे मसाइल की वजह से वो मुझे मैसेज करती हैं कि हमें रोल नंबर कैसे जनरेट करने हैं, हम फ़ी कैसे इसमें ऐड करेंगे वगैरह वगैरह। तो उन सब के हल के लिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊँगा कि आपने कैसे इसे ऑपरेट करना है, कैसे अपने डाटा को मैनेज करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो भाई जिन्होंने ये डाटाबेस परचेज़ की हुई है वो कोशिश करें कि पूरी की पूरी वीडियो देखें बिना किसी चीज़ को स्किप किए, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सेगमेंट्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको मतलूबा चीज़ रिक्वायर्ड हो तो आप उसी सेगमेंट के ऊपर जाके उस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे आपने हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की सेटिंग करनी होती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बाज़फ़ा लोगों को पता नहीं होता कि हमें मैक्रोस इनेबल करने पड़ते हैं, अपनी कोडिंग को ऑन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी वो अपने एफर्ट्स करते हैं लेकिन वो फ्रूटलेस होते हैं। तो जो मैं आपको फ़ाइल भेजता हूँ, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जब मैं आपको फ़ाइल मेल करता हूँ या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोर्स से मैं आपको फ़ाइल अगर भेजता हूँ तो उसमें आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आना है। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास अगर यहाँ पर अनब्लॉक का ऑप्शन है तो उसे आपने चेक करके अप्लाई ओके करना है। ये इस वजह से होता है कि बाज़ दफ़ा अगर हम मेल करते हैं या किसी भी सोर्स से हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा पीसी उस फाइल को डेंजरस करार देता है कि ये फाइल जो है आपके पीसी के लिए हार्मफुल है। बहरहाल ऐसा होता नहीं है, तो हर दफ़ा जब भी आप रन करते हैं अपनी फाइल को तो वो आपको एक मैसेज देता है सिक्योरिटी रीज़न की बिना पे। तो आपने उसे अनब्लॉक करना है और उसके बाद आपने आना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर और यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग करनी है। ऑप्शंस के अंदर आएंगे, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 है जैसे कि मैंने अभी ओपन की हुई है, आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन है तो उसमें भी आपके पास सेम इसी तरह से ऑप्शन होगा। अलबत्ता 2013 और 2016 में आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकते अनलेस और अंटिल आप न्यू डाटाबेस क्रिएट ना करें, लेकिन उसका भी हल ये है कि आप ओपन अदर करेंगे और फिर आप स्किप कर देंगे, स्किप करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो अपेयर हो जाएंगे। तो हम आते हैं ऑप्शंस में और यहाँ पे हम आएंगे ट्रस्ट सेंटर के ऊपर और ट्रस्ट सेंटर के ऊपर हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें मैसेज बार के अंदर नेवर शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक्ड कंटेंट ये चेक करना है, इनेबल ट्रस्ट सेंटर लॉगिंग ये भी हमें चेक करना है। फिर हम आएंगे मैक्रोस सेटिंग के ऊपर और यहाँ पर हम करेंगे इनेबल ऑल मैक्रोस नॉट रिकमेंडेड, ये हमें चेक करना है। आप लिटरली जब इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या पूरा ऑफिस तो उसमें आपके पास ये चीज़ें डिसेबल होती हैं। ये हो गया, मैसेज बार के अंदर भी आपके पास यहाँ पे मैसेज बार अपेयर होती है जब भी आप अपनी डाटाबेस या कोई भी डाटाबेस ओपन करते हैं। सिमिलरली आप आएंगे एक्टिव एक्स के ऊपर और यहाँ पर आपने करना है इनेबल ऑल कंट्रोल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन सेफ मोड भी आपने ऑन कर देना है, ओके करके आपने इसे ओके करना है। अब ये आपकी हो गई सेटिंग। उसके बाद आप आएंगे अपनी फाइल के ऊपर, फाइल आप रन करेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस रखा हुआ है कि ये फाइल जो है ये वैसे ही किसी जगह पे ना चल जाए बल्कि उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़े। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको यूज़र आईडी और की फ्राहम करूँगा जो कि आपने यहाँ पर ऐड करनी होगी और इसे रजिस्टर करना होगा। आप इसे रन एज ट्रायल भी कर सकते हैं, ये आपको 5 अटेम्प्ट देगा कि आप 5 दफ़ा इसे चला सकते हैं। 5 दफ़ा चलाने के बाद आपकी फ़ाइल कारामद नहीं होती बल्कि आपका सारा डाटा भी वहाँ से डिलीट हो जाएगा और फाइल भी आपकी ओपन नहीं होगी। तो हम फिलहाल आते हैं, हम रजिस्टर करते हैं ताकि हमें फुल एक्सेस मिले, हम हर एक फीचर को अवेल कर सकें। इसमें मैं ऐड करता हूँ अपना यूज़र आईडी जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में रजिस्ट्रेशन की, सॉरी, और हम इसे रजिस्टर कर देते हैं। हमारे पास ये रजिस्टर हो गया तो लॉगिन के ऊपर हम आ गए हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पहले से ही यूजर एडेड है, मैं आपको उससे लॉगिन करके देता हूँ, एडमिन 123 और मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ या एंटर प्रेस कर देते हैं।
डैशबोर्ड हमारे पास अपेयर होगा और वो हमसे कहेगा कि आपने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाई अपनी इंस्टीट्यूट की, तो आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें ताकि आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो ठीक तरह से हो सके। मैं इसे फिलहाल नो करता हूँ और सेटिंग्स में आके मेरे पास यूज़र का बटन है ये शुरू में, मैं इस यूज़र को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। सॉरी, मैंने एडिट कर दिया था या न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया था। तो हम आते हैं वापस। आप जब तक अपनी प्रोफाइल तरतीब नहीं देंगे तब तक आपको ये मैसेज मौसूल होता रहेगा। मैं आता हूँ सेटिंग्स के ऊपर, यूजर्स, और इसमें मैं करता हूँ डिलीट और यस क्लोज। अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट जैसे ही मैंने किया है आप देख सकते हैं मेरे पास न्यू यूजर की विंडो आई है। लिटरली जब आप ओपन करेंगे तो मैं आपको यूजर इसमें क्रिएट करके नहीं दूंगा, बल्कि आप पहला यूजर खुद ही क्रिएट करेंगे, और यूजर क्रिएट करने के बाद दोबारा आपको ये मैसेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका एक यूजर जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप फर्दर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं बाय लॉग इन। लॉग इन करते हुए आप जो है फिर यूजर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे अपना नेम देता हूँ, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, जिसकी मदद से मैं लॉग इन करूंगा। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। हर जगह जहाँ जहाँ पे भी इस किस्म का ऑप्शन होगा आप सिंपली क्लिक करते हुए अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और फिर उसी को चूज करके आप यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ एज अ एडमिन। ठीक है, पहला यूजर जो है आपका आपने ज़रूर एडमिन के तौर पर ही करना है। एडमिन और एडिटर के राइट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। एडिटर जो है वो रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं कर सकता, जबकि एडमिन को तो फुल एक्सेस ही होती है। अलबत्ता यूज़र क्रिएट करने के बाद भी आप अपने यूज़र को प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि ये जो यूज़र मैंने बनाया है इसमें इसे जो हमारी मखसूस चीज़ें हैं उनकी एक्सेस ग्रांट की जाए, तो फिर हम आगे जाके उसे भी हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ ऐड पिक्चर, और मेरे पास यहाँ पे होनी चाहिए ये, मैं चूज़ कर लेता हूँ और मैं इसे करता हूँ सेव। हमारा ये यूज़र क्रिएट हो गया है। हम यहाँ पे आके देख सकते हैं प्रिविलेजेस, और प्रिविलेजेस में आप देखेंगे कि हमारे पास डैशबोर्ड टैब आइकन्स, स्टूडेंट्स टैब आइकन, फी मैनेजर, और ये जो सारे के सारे हमारे बटन्स हैं वहाँ पे जब हम लॉगिन करते हैं तो उनके ऊपर जितने भी फंक्शंस हैं उन तमाम के मुतालिक बताया गया है कि ये चीज़ें हमारे पास इनेबल होनी चाहिए। इसमें एक ऑप्शन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रखा है, वो है हॉस्टल, सो वांट्स टू मैनेज हॉस्टल रिकॉर्ड्स। चूँकि मैंने अभी इसके ऊपर काम नहीं किया इसलिए मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही अनचेक रखा हुआ है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपके पास एक टैब का इजाफा हो जाएगा जो कि हम बाद में फिर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ यूज़र्स फिर चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास फ़िलहाल तो एक ही है, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो फिर उन सबको आप मैनेज कर सकते हैं कि ये बंदा क्या क्या चीज़ कर सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं आ जाऊँ स्टूडेंट्स के ऊपर, ये हमारे पास स्टूडेंट टैब एक्शन है, और मैं करूँ मेक एनरोलमेंट, ठीक है, कहाँ पे, स्टूडेंट टैब के ऊपर। हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर भी मौजूद है ये, आप देख सकते हैं स्टूडेंट टैब एनेबल। अगर आप पूरे का पूरा बटन ही डिसेबल कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट टैब इनेबल्ड को अनचेक कर देता हूँ और मैं इसे क्लोज करता हूँ। सिंपल, मैं सिर्फ एक आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए कि ये कैसे काम करता है। और लॉग इन करने के बाद हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स का टैब हमारे पास डिसेबल है। हम कोई भी फंक्शनैलिटी अवेल नहीं कर सकते रिगार्डिंग आवर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हैं कि आप ग्रांट करते हैं प्रिविलेजेस अपने यूजर्स को डिफरेंट सिनेरियो में। अब मैं दोबारा आता हूँ प्रिविलेजेस में तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड दें, और फिर किसी भी यूज़र की प्रिविलेजेस आप सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है तो मैं दोबारा इसे इनेबल कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है यूज़र्स और उसके प्रिविलेजेस हैं, हम यहाँ पे यूज़र को देख सकते हैं बाद में भी। यहाँ पे हमें अगर न्यू करना हो तो हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट करना है तो एडिट इसी रिकॉर्ड को हम एडिट करेंगे, ये जो हमारा रिकॉर्ड है, और अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। हर फॉर्म के ऊपर आपको एक प्लस का साइन दिया गया है जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट है आल्ट एन, जो कि माउस थोड़ा सा स्टे करने पर भी हमें दिखाया जाता है। ये हो गया हमारा यूज़र और उसकी प्रिविलेजेस।
तो मैं इसे लॉग आउट करता हूं ताकि मैं अपना ये जो स्टूडेंट का टैब है दोबारा से फाल बना सकूं। और आप देख सकते हैं यहां पे मेरी पिक्चर भी शो हो रही है जो कि मैंने लगाई है। मैं आता हूं लॉग आउट और यहां पे हम करते हैं वापस से एडमिन 123 और ये हमारा फुल फंक्शन सॉफ्टवेयर यहां पे अपेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अब हमारे पास इनेबल है। इसी तरह अगर आप पासवर्ड वगैरह रिकवर करना चाहें, आपसे भूल गया है, तो आप जब होंगे लॉगिन के ऊपर तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हुए अपना यूज़र चूज़ करेंगे और वो आपसे आपका क्वेश्चन पूछेगा, आपने आंसर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों दिखा दिए जाएंगे। अगर आप दोबारा से रजिस्टर करना चाहेंगे तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एडमिन मौजूद है जो कि लॉगिन करते हुए आपको यूज़र क्रिएट करके दे सकेगा। तो ये हमारे पास यूज़र और उसकी प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस में आप फिर मज़ीद आगे जाके चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मैं आता हूँ सेटिंग्स, प्रिविलेजेस, पासवर्ड, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ जैसे कि सेटिंग्स के अंदर हमारा ये भी टैब है यानी सेटिंग हमारी एक्टिव है, तो हम आ जाते हैं लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स टैब एक्शंस। तो इसमें ऐड यूज़र अगर आप अनचेक करना चाहें यानी आफ्ताब अहमद को ये एक्सेस ना हो कि वो यूज़र ऐड कर सके, तो आप सिंपली इसे अनचेक कर देंगे। वो डेटा डिलीट ना कर सके, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट पेपर वगैरह ये चीज़ें ना बना सके, तो आप इन सबको देख सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, इनमें आप सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो किसी दूसरे यूज़र को आपने अगर ये एक्सेस ग्रांट करनी है नहीं करनी, तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सिंपली आपने जो है उसे एक्सेस ग्रांट कर देनी है। इसी से रिलेटेड चूंकि हमारा एक ऑप्शन है अपलोड्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसे ही पहले आपको बताता चलूँ ताकि हम बाद में जो है इसे डिस्कस ना करें। अच्छा, यहाँ पे हमें एक मैसेज दिया जा रहा है, यू मे हैव नॉट कंप्लीटेड इंस्टीट्यूट प्रोफाइल येट, प्लीज़ फिल ऑल नेसेसरी फील्ड्स देयर। ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। प्रोफाइल तैयार करने के बाद ही हम ये जो हमारा क्या कहते हैं उसे फंक्शन है उसे हम अवेल कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पे मैं एब्रिविएशन लिखता हूँ अपने स्कूल का, अल गजाली पब्लिक स्कूल, मैं यहाँ पे ये नाम दे देता हूँ और उसका कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस हो गया, वेब पेज हो गया, ये चीज़ें हमें लिखनी होंगी। और यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, मैं अपना ही लिख लेता हूँ, एक से ज़्यादा भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक करता हूँ, फाउंडिंग डेट, संगे बुनियाद जिसे हम कह दें वो यहाँ पे अगर आप लिखें। कंपल्सरी फील्ड्स आपकी जो हैं वो रेड स्टार वाली हैं, मैंडेटरी जो हैं वो आपने ज़रूर फिल करनी है। और यहाँ पे आपने स्कूल लेवल चूज़ करना है कि आपके स्कूल का लेवल क्या है, इसी के हिसाब से ही आपकी क्लासेस शो होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्राइमरी करता हूँ तो मेरे पास वहाँ पे 5 तक क्लासेस आएंगी, 5th तक, मिडिल करता हूँ तो 8th और हाई करता हूँ तो 10th। इसी तरह कॉलेज अगर मैं करूँगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मेरे पास वहाँ पे शो होगा। मैं आपको इसका एक लुक दिखाता हूँ, प्राइमरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है फी कलेक्शन का कि आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में फीस कैसे कलेक्ट होती है, वेदर इट्स कलेक्टेड बाय बाय द बैंक और इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप बैंक के थ्रू फीस वसूल करते हैं तो आपने सिंपली करना है बैंक चालान, और बैंक में आपने फिर अपनी डिटेल देनी है कि आपका कौन सा बैंक है। इसमें अगर आपके पास लिस्ट में नहीं है तो आप सिंपली एडिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास एडिट का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे किसी भी बैंक को डिलीट करना है, एडिट करना है या ऐड करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक चूज़ करूँ या मैं आता हूँ इंस्टीट्यूट के ऊपर और इंस्टीट्यूट अकाउंट में कर देता हूँ। पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट अकाउंट दिखाऊंगा कि कैसे होता है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास बैंक चालान कैसे होता है। तो ओनर नेम हमें यहाँ पे लिखना होगा, प्रिंसिपल नेम, नोट्स, ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। और फिर हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटिंग मेथड का कि हम प्रिंट कैसे निकालना चाहते हैं अपनी फीस का। ठीक है, फीस स्लिप जो आपकी जनरेट होगी आप उसे नॉर्मल पेज के ऊपर प्रिंट आउट करना चाहते हैं या आप थर्मल पेज के ऊपर करते हैं। थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा, छोटा सा प्रिंटर होता है,
3 इंच का 2.8 उसका साइज होता है विड्थ में, और उसकी हाइट जो है वो अनलिमिटेड होती है, आप जितना भी चाहें उसे प्रिंट करने के बाद वहाँ से काट सकते हैं। तो आप अगर अवेयर नहीं हैं तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं थर्मल प्रिंटर के मुतालिक, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। और थर्मल प्रिंटर ये है कि लेस कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता मिल जाता है आपको, और ज़्यादा प्रिंटिंग आपकी हो जाती है, बिजली भी ज़्यादा नहीं लेता, यूपीएस के ऊपर भी आप उसे चला सकते हैं, और आसानी से रसाई है आपके पास। तो नॉर्मल जब आप करेंगे तो आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी फीस स्लिप चालान वगैरह हैं, वो सारे के सारे A4 के ऊपर आएंगे। थर्मल के ऊपर आप करेंगे तो थर्मल का आपके पास 2.8 का साइज़ है, 2.8 इंचेस, ठीक है। ये थर्मल जब आप करेंगे तो ये सिर्फ आपका इफेक्टिव होगा फी स्लिप के ऊपर, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। जितने भी फी चालान आपके हैं वो थर्मल के ऊपर आएंगे, अलबत्ता आपकी बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट लेजर हो गया, जैसे एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर हो गया, या बाकी जो भी चीज़ है, वो स्टिल आपकी नॉर्मल पेज के ऊपर आएगी A4 के ऊपर। तो मैं इसे फिलहाल नॉर्मल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लोगो अपलोड करता हूँ, वर्क फोल्डर, स्कूल्स, अलगजाली, और मेरे पास यहाँ पे होगा लोगो। लोगो हैज़ बीन अपडेटेड या अपलोडेड, और यहाँ पे हम इसे दोबारा से रिमूव करने के बाद फिर से भी अपलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास हो गया मेरा लोगो, और इसे मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। सिंपली F5 मैंने प्रेस किया रिफ्रेश के लिए, और डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा लोगो, नेम, यूज़र नेम जिसकी मदद से मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये है हमारी कंपनी प्रोफाइल जो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें टैकल करनी होती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए। उनमें सबसे पहले हम आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में हमें चीज़ें सेट करनी होती हैं जो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए कारामद साबित होती हैं, जैसा कि डेजिग्नेशंस हो गई, जैसा कि क्लासेस हो गई, ठीक है, क्लासेस और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। तो जैसे सिटीज़ हो गए, सिटीज़ मेरे पास यहाँ पे अब थोड़े हैं, तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप सिंपली अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, KP, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, जो भी आपने करना है, और फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे सिटी ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कराची, हैदराबाद, मेरे पास दो यहाँ पे मौजूद हैं सिंध के लिए। तो आप मज़ीद भी जो भी ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे डिलीट करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है जी। तो ये सिटीज़ जब आप ऐड कर लेंगे तो एनरोलमेंट करते वक्त आपको अपनी चीज़ें मैनेज करने में ज़्यादा आसानी होगी, सिटीज़ आपके पास वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से आएंगे और आप वहाँ पे इजीली अपने डाटा ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह हम आते हैं क्लासेस के ऊपर। क्लासेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप अपनी प्रोफाइल जब ऐड करेंगे, जब बनाएंगे, तो उसी के हिसाब से ही आपकी क्लासेस आएंगी। जैसे कि प्राइमरी मैंने चूज़ किया हुआ है तो मेरे पास 5th तक आ रहा है। अगर मैं करता हूँ मिडल और मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो आप देख सकते हैं आप मेरे पास 8th तक हमारे हमारी रोज़ अपेयर हो रही हैं। फिर इसी तरह अगर हम आएंगे प्रोफाइल में और हम यहाँ पे चूज़ करें हाई, हाई चूज करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश, तो अब आप देखेंगे हमारे पास 10th तक ये क्लासेस शो हो रही हैं। तो इस तरह से आपने सेटिंग करनी है अपनी प्रोफाइल की, जिस तरह भी आप, जो भी आपके स्कूल का लेवल है उसी हिसाब से। अब हम आते हैं फी हेड्स के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने प्ले ग्रुप चूज किया हुआ है। अगर आप क्लास चेंज करना चाहें तो सिंपली आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आप अपनी मतलूबा क्लास सेलेक्ट कर लें, या आप बटन्स की मदद से आगे मूव करें जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिर उनमें आप अपनी मर्जी के जो आपके फी हेड्स हैं वो आप ऐड कर लें। मैं आता हूँ प्ले ग्रुप के ऊपर और मैं यहाँ पे फी हेड ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो एडमिशन फीस आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ, 3,000 रुपये एडमिशन फीस है। ट्यूशन फी हमारे पास 500 रुपये है, और मंथली फी 800 रुपये है। तो टोटल इसके 1,300 रुपये बनते हैं ये वाले, जो कि हमें मंथली हम चार्ज करेंगे इस स्टूडेंट को, जो भी हमारा
इनरोल होगा इनटू प्ले ग्रुप, और 3,000 रुपये हमारे जो है वो एडमिशन फीस होगी। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। और इसी तरह सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हम एक ही दफ़ा ऐड करेंगे, यानी हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें एक दफ़ा वन टाइम हमारी एंट्री होगी, और फिर हमें ये फ़ायदा देगी जब हम इनरोलमेंट करेंगे स्टूडेंट की या हम रिज़ल्ट वगैरह तैयार करेंगे, तो ये सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे पास वहाँ पे अपेयर होंगे। इसी तरह प्राइस लिस्ट भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास के सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं आता हूँ सब्जेक्ट्स में और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश, टोटल मार्क्स कितने हैं 100, पासिंग मार्क्स कितने हैं 33, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे के सारे दिए गए हैं। अगर नहीं दिए गए, आपको आपका मतलूबा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के ऊपर, आपको यहाँ पे मिलेगा ये है सब्जेक्ट्स, और इसमें आप मज़ीद सब्जेक्ट्स जो भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ इंग्लिश उर्दू, इसमें भी सेम क्राइटेरिया, इस्लामियात इसमें भी सेम क्राइटेरिया, और मैथ इसमें भी सेम क्राइटेरिया मैं रखता हूँ। आपके पास जो भी होगा, जितने भी आपके पासिंग मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स। अब हम चलते हैं एनरोलमेंट की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर हम आते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपने गौर से देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर या आल्ट एन प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास न्यू की विंडो आ जाती है, और ये हमारा फॉर्म है जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन है लास्ट आईडी का, आप चूँकि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आईडी मैंने अपनी मर्ज़ी से रखी हुई है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसे ऐड कर सकें 1, 2, 3 की सीरीज़ में या किसी भी और सीरीज़ में जो हमें रिक्वायर्ड हो, जो हम अपने स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक चला सकें। तो मैं 1 से इसे स्टार्ट करता हूँ, मेरे पहली आईडी 0 है, मैं इसे 1 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फैमिली आईडी भी है, फैमिली आईडी आप एक से ज़्यादा जो सिबलिंग हैं उनको असाइन कर सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जितना भी रिकॉर्ड मिलता जुलता है, मिसाल के तौर पे मैंने अगर एंट्री की अपने एक स्टूडेंट की जिसके बाकी बहन भाई भी हमारे पास ज़ेर तालीम हैं, तो जब हम फैमिली आईडी देंगे तो उनमें हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे मदर नेम हो गया, जैसे उसका प्रोविंस हो गया, सिटी हो गया, और रिलीजन हो गया, कास्ट हो गई, फादर नेम हो गया, और इसी तरह गार्डियन नेम हो गया। अब ये चीज़ें तो चेंज नहीं होती ना, ये चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगी, हमें ऐड नहीं करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे काम को आसानी की तरफ ले जाता है। तो मैं यहाँ पे फैमिली आईडी करता हूँ 1, और यानी प्रीफिक्स हमें चूज़ करना है यहाँ पे, मिस्टर मिसेस जो भी है, और यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अपना ही नेम इसमें ऐड करता हूँ, या मैं कर देता हूँ अपने छोटे भाई का, और इसमें मैं एड्रेस टाइप करता हूँ, प्रोविंस हमें चूज़ करना है केपीके, और केपीके के अंदर जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं वो आ जाएंगे बशर्ते कि हमने ऐड किए हुए तो, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप सेटिंग्स के अंदर वहाँ पे जाके सिटीज़ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा विलेज होगा, विलेज आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, या अगर आप एक दफ़ा टाइप करें यहाँ पे ऐड कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, कि फिर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट एम प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विलेज आ जाएगा। इसी तरह फॉर्म बे है, अगर फॉर्म बे बना हुआ है तो आपने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, रिलीजन हो गया, डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करेंगे, तो सॉरी ये प्लेस ऑफ बर्थ है, मैं इसमें करता हूँ डेर असमिल खान, और ये हमारे पास होगा डेट ऑफ बर्थ। ऑटोमेटिकली आपके पास इन वर्ड्स आ जाएगी, और साथ ही आपको कास्ट लिखनी होगी, मोबाइल नंबर मैंने अपना यहाँ पे टाइप कर लिया है, और मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास ये व्हाट्सएप में भी है, यानी ये जो नंबर है हमारा ये व्हाट्सएप पर भी मौजूद है, तो इसे मैंने यस किया है। हमारा ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होके आया है, इसलिए आया है कि हम जब मैसेज सेंड करेंगे, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज, तो ये उसके लिए हमारा पैटर्न बन के आया है, ठीक है। इसी तरह फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और फिर हम आते हैं फादर नेम के ऊपर, चेक इफ़ द फादर इज़ आल्सो गार्डियन, यस, चेक इफ़ द स्टूडेंट इज़ ऑर्फन, इसको भी मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि इसी की मदद से हमारी एक लिस्ट तैयार होती है, लिस्ट ऑफ ऑर्फन स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैंने ये चेक कर दिया है, और ये है भी ऑर्फन।
इसी तरह ऑक्यूपेशन हो गया, फादर के मुतलिक जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर हो गया, डेजिग्नेशन, CNIC वगैरह वगैरह। अब इसमें है क्लास इन विच एडमिटेड, किस क्लास में एडमिट हुआ था। मिसाल के तौर पे आपके पास स्टूडेंट्स पहले से ही जेर तालीम है, आपने अभी अभी सॉफ्टवेयर परचेज किया है, तो आपको इंफॉर्मेशन ऐड तो करनी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी। अब हो सकता है वो 6 में हो, 7 में हो, और जब उसने एडमिशन लिया था वो तो आपके पास किसी और क्लास में होगा, तो आपने वो क्लास चूज़ करनी है। ठीक है, मैं इसमें छोड़ देता हूँ इसे ब्लैंक और मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रीवियस क्लास भी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास अभी आ रहा है, एनरोल हो रहा है प्ले ग्रुप में, इसकी फर्स्ट क्लास है। और यहाँ पे उसका सेक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेक्शन बने हुए हैं, आप इसमें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली चलता है ABCD, तो ये आप ABCD भी इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। मैं इसको ए कर देता हूँ, प्ले ग्रुप ए। फिर उसका ग्रुप क्या है, जनरल, साइंस, आर्ट्स वगैरह, तो ये आप ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि छोटी क्लास के लिए तो ग्रुप नहीं होता। इसी तरह लीव्स जो है हमारी, ये भी लुकअप होती हैं क्लासेस के टैब से, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं वहाँ पे आप देखें एडमिशन फ़ी के साथ आपके पास लीव्स का ऑप्शन भी मौजूद है, तो लीव्स जो भी वहाँ पे आपने लिखी होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और ये लीव्स आपकी कारामद होंगी जब हम अटेंडेंस के ऊपर आएंगे। अटेंडेंस में ये अपना किरदार अदा करेंगी कि इसको कितनी अलाउड थी, इसने कितनी अवेल कर ली हैं, कितनी एक्सेसिव हैं, कितनी बाकी रहती हैं वगैरह वगैरह। तो लास्ट स्कूल हमारे पास इसका नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे पास ही एनरोल हो रहा है। एडमिशन नंबर उसका क्या है ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया है। स्टूडेंट एक्टिव है, वेदर एक्टिव है, जी ठीक है। अगर इनएक्टिव है तो आपने इसका स्टेटस इनएक्टिव करना है, जैसा कि आप तमाम डाटा पुट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसमें बाज़ बच्चे ऐसे भी हो सकता है कि जो कि इनएक्टिव हो चुके हों, जो कि स्टक अप हो चुके हों, लेकिन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि आप अपने सारे सिस्टम को डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर लें, चाहे आपका स्टूडेंट एक्टिव है, चाहे इनएक्टिव है, या स्टक अप हो चुका है वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसमें मैं कर देता हूँ एक्टिव। अब देखेंगे मंथली फ़ी हमारी ऑटोमेटिकली वहाँ से यहाँ पे अपेयर हुई है, 1300 रुपये जो कि हमने ऐड किए थे क्लास के लिए, क्लास प्ले ग्रुप के लिए। तो प्ले ग्रुप से हमारे पास ऑटोमेटिकली 1300 रुपये यहाँ पे अपेयर हो चुके हैं। आप इसे चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सहूलत के लिए दिया गया है कि वहाँ से यहाँ पे लुकअप होके हमारी फ़ीस आ जाए। अब इस पे अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, चूँकि अभी सिबलिंग हमारे पास सिर्फ एक ही है, अभी हमने इसका दूसरा भाई या बहन ऐड नहीं की, तो इससे अगर आप ग्रांट करना चाहते हैं डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे या आप उसकी अमाउंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे 100 रुपये लिखे हैं तो 7.69% उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है। अगर मैं करता हूँ 200 रुपये तो आप देखेंगे 15.38%, और फीस जो उसकी बनेगी वो ये बनेगी 1100 रुपये। और फिर जब हम फीस वसूल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फीस हमारे पास वहाँ पे अपेयर होगी 1100 रुपये। ठीक है, मैं इस स्टूडेंट को ज़ीरो कर देता हूँ, कोई भी मैं डिस्काउंट नहीं देता क्योंकि हमारा पहला बच्चा है, और इसका बहन भाई अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ये चीज़। एडमिशन फ़ीस हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3000 आ चुकी है। अलबत्ता आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो तो हमने पूरी क्लास के लिए दिया था कि जो भी हमारा प्ले ग्रुप में एनरोल होगा उसके लिए 3000 रुपये होगा। अब हो सकता है ये आपका कोई करीबी हो, कोई गरीब स्टूडेंट हो, किसी भी ताल्लुक की बिना पे आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे चेंज कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी कर दिया है। अब अदर एरियाज ये भी चीज़ें हैं, जैसे कोई स्टूडेंट स्ट्रक अप हो जाता है, दोबारा आता है, और उसमें अगर उसके कोई एरियाज हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। कोई और चार्जेस आप उससे वसूल करते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और फिर रिसीव करेंगे कि आपने कितनी फ़ीस वसूल कर ली है। मैं यहाँ पे 1500 कर देता हूँ। लेट्स से कि उसने हमें 1500 रुपये दिए हैं, 500 उसने कहा मैं बाद में दे दूंगा, तो 500 रुपये उसके बाकी रह गए, और यहाँ पे हम उसकी डेट ऐड कर लेंगे। ये हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सिंपल, हमारा एक स्टूडेंट एनरोल हो चुका है। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ID देता हूँ 2, और फैमिली ID मैं 1 देता हूँ। आपको याद होगा 1 मैं पहले से ही असाइन कर चुका हूँ, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास एड्रेस, प्रोविंस, सिटी, विलेज, रिलीजन, कास्ट, यानी वो चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती, वो जो रियलिटी हैं, जैसे फादर का नेम चेंज नहीं हो सकता, गार्डियन सेम था, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ
और डेट ऑफ बर्थ हम करते हैं यस, इसमें यस, इसमें भी यस। तो आप देख सकते हैं कि हमें थोड़ी आसानी हुई है, हमारी सारी की सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हमने टैकल कर ली हैं। अब यहाँ पे भी मंथली फ़ी 1300 रुपये उसी तरह आ रहा है। अब दो तादाद हमें दिखा रहा है कि ये दो बहन भाई हैं। अब इसके ऊपर मैं इसको 5% दे देता हूँ या 10% दे देता हूँ, और एडमिशन फ़ीस इसकी भी मैं 2000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। और इसके सारे के सारे चार्जेस मैं चाहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट हों, इसने हमें कोई भी चीज़ पे नहीं की। उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेव। तो यहाँ पे मौजूद बटन्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड रिकॉर्ड, और W इसकी शॉर्टकट है, तो हमारे पास ये न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी रिकॉर्ड को, और ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन है, ये प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट करने पर इसके तमाम रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ये आप याद रखें, जहन में रखें। जब भी आपको स्टूडेंट न्यू एनरोलमेंट में या एनरोलमेंट के फॉर्म के ऊपर आके डिलीट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो लेजर के अंदर है, चाहे वो रिजल्ट्स के अंदर हैं, चाहे वो अटेंडेंस के अंदर हैं, वो सारे के सारे, उसकी सारी की सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो आप याद रखें, जब डिलीट कर लेंगे तो आपका ये डाटा वापस नहीं आएगा, इसलिए एहतियात कीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन है वेलकम मैसेज का। तो हम टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये मैसेज सेंड होता है व्हाट्सएप के ऊपर, बाज़ दफ़ा नहीं होता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फुली कस्टमाइज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं, जब भी हम रन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हमारे पास अपेयर नहीं होती, ना ही उसकी स्प्लैश स्क्रीन आती है। तो जो कि थोड़ी बहुत इन प्रोग्रामिंग इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा सा मसला क्रिएट हो रहा है। आप वैसे सिंपली मैसेज सेंड करना चाहें व्हाट्सएप के ऊपर तो मैसेज सेंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस डेटाबेस के ज़रिए अगर आप मैसेज सेंड करना चाहें तो बाज़ दफ़ा होता है और बाज़ दफ़ा नहीं होता। उसके अलावा उसकी एक और वजह भी है कि व्हाट्सएप का टैब आर्डर मुस्तकिल नहीं है। टैब आर्डर अगर आप काम करते हैं तो आपको इतना पता होगा कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा, तो मुझे पता है उसके आगे का जो फंक्शन है उसके ऊपर मेरा माउस जंप करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक टैब का बटन प्रेस किया है तो हमारा माउस कर्सर जो है वो सेव के ऊपर आया है। फिर इसी तरह मैं आगे जाता हूँ तो बिल्कुल सीक्वेंस में हम ऐसे जंप करते जाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर ऐसा सिस्टम है कि उनका टैब आर्डर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो इसलिए भी एक मसला मेरे लिए ये बना हुआ है। बहरहाल मैं उस पे स्टडी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मसला भी हमारा हल हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको जो दिखाता हूँ वो है हमारे पास टेक्स्ट मैसेज। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक मॉड्यूल है जो मैं आपको फराहम करूँगा और आपने वो इंस्टॉल करना होगा। आपके मोबाइल की सिम के थ्रू आपका मैसेज सेंड होगा और आपके पास पैकेज का होना ज़रूरी है। हमारा ये मैसेज सेंड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर क्लोज करके इस विंडो को मिनिमाइज करके दिखाता हूँ कि मैसेज कैसे सेंड हुआ है। ये मेरे पास मॉड्यूल और इसमें मैसेजेस और ये सेंट, ये आप देख सकते हैं आज की डेट का 26/6 का 9:20, अभी 9:21 है, और इसमें हमारा ये मैसेज, वेलकम एडमिशन ऑफ आमिर सुहेल नाब साहिबदाद हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्लास प्ले ग्रुप, और साथ में उसके स्कूल का नेम है जो हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ। तो ये हमारा मैसेज सेंड हो चुका है, ठीक है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मेरा नंबर था तो इसलिए मेरे मोबाइल नंबर पर ही मुझे ये मैसेज मौसूल हुआ है। और इसी तरह फिर आप जो है मज़ीद मैसेजेस सेंड कर सकते हैं जिसको भी आप एनरोलमेंट जिसकी भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और साथ में व्यू का बटन है। रिपोर्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन रिसीट, एडमिशन रिक्वेस्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम स्टार्ट लेते हैं एडमिशन फॉर्म से, क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एडमिशन फॉर्म आएगा। हम यहाँ पे अगर पिक्चर अटैच करना चाहें, अपलोड पिक्चर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये पिक्चर मैं लाता हूँ। शायद कि मेरे पास यहाँ पे कोई तो पिक्चर मौजूद हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो मैं आता हूँ।
सॉरी रिमूव, वो फ्रेम बना हुआ था हमारे पास, तो ये मैं पिक्चर चूज कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास पिक्चर ऐड हो चुकी है। और अब हम आते हैं एडमिशन फॉर्म के ऊपर। हमारी ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ऑन स्क्रीन आपको इस तरह नज़र आएगी। जैसे बाज़ दफ़ा मुझसे दोस्त पूछते हैं कि यहाँ पर पिक्चर सही नज़र नहीं आ रही, ख़राब है, उसके पिक्सल सही नहीं है वगैरह वगैरह, तो जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगी, परफेक्ट होगी। ये ऑन स्क्रीन जस्ट आपको ऐसे नज़र आ रही है, इसी तरह आपको लोगो भी इसी तरह से ही नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम प्रिंट करेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अलबत्ता अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल प्रिंटर नहीं है, तो मैं इसे आके एक्सपोर्ट करता हूँ एज अ PDF और इसे मैं रखता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। एडमिशन फॉर्म ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, तो मैं इसे पब्लिश करने के बाद चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल ओपन हो जाए। एक्सपोर्ट PDF डेस्कटॉप, अच्छा द फाइल में भी ओपन, इफ सो क्लोज इट एंड देन सेव इट टू आउट। ठीक है, ये मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद इसे मैं करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अगर उस तरह से नहीं हो रही तो हम ऐसे कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जैसे मेरे पास PDF Suite 2021 इंस्टॉल है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। इस तरह से भी हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। और ये देखें आप, ये हमसे पूछता है कि कहाँ पे आप सेव करेंगे, मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ। एडमिशन फॉर्म हमारा एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे PDF की सूरत में अपेयर हो जाएगा, और उस पर जितनी भी पिक्चर्स या मोनोग्राम वगैरह अपलोडेड हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से हमारे पास आएंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ साथ हमारे मोनोग्राम के ऊपर भी कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अलबत्ता इसमें थोड़ी सी सेटिंग ख़राब हुई है। सेटिंग इसलिए ख़राब हुई है कि जब हम प्रिंट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे पेज सेटअप सेट करना पड़ता है। मैं आता हूँ, दोबारा से एडिट करता हूँ और इसे मैं करता हूँ रिपोर्ट एडमिशन फॉर्म। पेज सेटअप में हम आएंगे और इसे हम करेंगे A4। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लेटर चूज़ हुआ पड़ा है और इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब ये सेंट्रलाइज भी हो गया है और जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका लेआउट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो एक ही दफ़ा आपको करना होगा, बार बार नहीं करना पड़ता। तो ये हमारी रिपोर्ट है एडमिशन फॉर्म की। एडमिशन फॉर्म हम यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये आप देख लें। अच्छा, एक और चीज़ है कि बाज़ दफ़ा कस्टमर कहते हैं कि पिक्चर जो है वो नहीं आई। ठीक है, पिक्चर हमारे पास, अच्छा इसमें एक इशू हमारे पास और भी आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का, तो मैं इसमें देखता हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ, अच्छा ये मैंने गलत लिखी है ना, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास यहाँ पे ठीक नहीं है, तो मैं इसे 2020 कर देता हूँ। अब ये ठीक होगी और एडमिशन फॉर्म के ऊपर भी ठीक आएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बर्थ डेट। तो बाज़ दफ़ा कस्टमर कहते हैं कि हमारी पिक्चर प्रिंट में नहीं आ रही, तो वो प्रॉपर्टी हमारी प्रिंटर की होती है ना कि सॉफ्टवेयर की। इसलिए आपके पास जो भी प्रिंटर है आप उसकी सेटिंग्स में जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई भी प्रिंटर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पर होगा। हम आते हैं डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स के ऊपर। यहाँ पर कोई भी आपका जो प्रिंटर मौजूद हो उसे आपने ओपन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा सेंड ट्रू टाइप एज बिट मैप। ठीक है, सेंड ट्रू टाइप एज बिट मैप आपने उसे इनेबल करना होता है। क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रिंटर नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। अलबत्ता आपके पास जो भी प्रिंटर है आपने उसकी वो प्रॉपर्टी ऑन कर लेनी है, तो फिर आपके पास पिक्चर और लोगो वगैरह प्रिंट आउट में परफेक्ट आएंगे। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ एडिट रिपोर्ट्स में, एडमिशन रिसीट। ये रिसीट है जिसमें एडमिशन फ़ी हमने जो वसूल किया होगा, अब चूँकि हमने इससे कोई भी चीज़ वसूल नहीं की, तो 2000 रुपये इसके वहाँ पे हमें शो हो रहे हैं हमारी एडमिशन रिसीट के अंदर। इसी तरह एडमिशन रिक्वेस्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
एनओसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन होगी, अगर उसने कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया, हेल्ड किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी जब उसका जो लेटेस्ट जो लास्ट उसका एग्ज़ाम होगा। अभी चूँकि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये नहीं आया। साथ साथ एक छोटा सा इशू ये है कि हमारी यहाँ पे पिक्चर अपेयर नहीं हो रही, मैं देख लेता हूँ बाकी भी हमारे पास आ रही हैं कि नहीं। करेक्टर में हमारी पिक्चर है ही नहीं, एन ओ सी माइग्रेशन में आनी चाहिए, मैं इसको देख लेता हूँ। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको ये चीज़ें देनी होंगी, प्रोग्रेस उसकी क्या थी, कंडक्ट कैसा था, रिमार्क्स और लिविंग रीज़न क्या है। लिविंग रीज़न फिल करने के बाद आप जो है इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा ओके, हम नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ चुकी है। ठीक है जी, और साथ साथ ये यहाँ पे उसके रीज़न में भी आ चुके हैं। मैं इसे सिंपली एक्टिव कर देता हूँ, हमारी ये फील्ड्स डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल मौजूद है। ड्यूज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर कोई ड्यूज़ हैं इसके पास तो आप यहाँ पे अप्रूव करते हैं, नॉट अप्रूव करते हैं, तो फिल करने के बाद आप यहाँ पे इसे ये चीज़ इशू कर सकते हैं, ड्यूज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है। और ड्यूज़ रिपोर्ट, अगर इसने कोई पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने हमें कितनी पेमेंट करनी है, 2000 रुपये इसके बाकी हैं। प्ले ग्रुप, और ये स्टूडेंट फ़िलहाल एक्टिव है। इसी तरह स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, टीम का नेम आपने लिखना होगा, कौन सी कैटेगरी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल वगैरह वगैरह, टूर्नामेंट क्या था, कहाँ पे हुआ है, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आपको एक सिंपल सी सर्टिफिकेट बना के दे देगा। ठीक है, इसी तरह फ़ी कार्ड हमारे पास है इस स्टूडेंट के हवाले से। अब चूँकि हमने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, कोई भी फीस वसूल नहीं की, तो हम इसका फ़ी कार्ड प्रिंट आउट नहीं कर सकते। व्यू में आप कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे वाउचर हो गए, इसके जितने भी वाउचर्स होंगे वो यहाँ पे अपेयर होंगे। फ़िलहाल कोई भी वाउचर नहीं है, हमने फ़ीस वसूल नहीं की, रिजल्ट्स हमने अभी तक क्रिएट नहीं किए। फ़ी हेड्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, वो फ़ी हेड्स जो हमने किसी भी क्लास के लिए ऐड किए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूशन में हमारे पास उसके 500 रुपये हैं, मंथली स्कूल फ़ी 800 रुपये, और सिबलिंग डिस्काउंट जो हमने उसे दिया है वो 130 है, जो कि लेस हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हिस्ट्री है, इस स्टूडेंट की पूरी हिस्ट्री होगी, डेटा एंटर किया गया है, और चूँकि अभी अभी मैंने उसका स्टेटस चेंज किया है तो इसलिए ये एक्टिविटी भी उसके साथ ही हमारी हो चुकी है। तो कंप्लीट हिस्ट्री आप यहाँ पे उसकी देख सकेंगे कि वो प्ले ग्रुप में आया था, फिर वो प्रमोट हुआ था नर्सरी में, फिर उससे प्रमोट हुआ है, नहीं हुआ, ये डिलीट हुआ है, स्ट्रक अप हुआ है, वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें आपको व्यू में आके हिस्ट्री के अंदर मिल जाएंगी। इसी तरह किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस आपने देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, जो कि फ़िलहाल हमने अटेंडेंस नहीं लगाई। इसी तरह कंप्लेंट्स इसके अगेंस्ट होंगी तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। साथ साथ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट हो गई, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अटैच कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट्स, मैंने करेक्टर की है, मैं इसे चेंज कर दूँगा, मैं इसे डोमिसाइल कर देता हूँ। डोमिसाइल में हम आके करते हैं ये डोमिसाइल, ओके, और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। व्यू डॉक्यूमेंट, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो चुका है क्योंकि डबल क्लिक करके हमने ये अपलोड कर दी है। अब जब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओपन हो चुकी है मेरे इस स्टूडेंट की। तो हम टाइम टू टाइम ये चीज़ें फिर देखते रहेंगे। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी भी पिक्चर्स हैं या मोनोग्राम वगैरह है, ये आपने डिलीट नहीं करना। एक फोल्डर आपने बना लेना है क्लास वाइज और उनके अंदर आपने अपनी पिक्चर्स सेव करनी है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे अपलोड नहीं होती, हम सिर्फ उसको लोकेशन देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे लोकेशन मौजूद है, ई डॉक्यूमेंट्स आमिर भाई डोमिसाइल फ्रंट,
तो ये उसकी लोकेशन है, पिक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं हुई, इसी वजह से हमारी इस डेटाबेस का साइज बहुत ही मिनिमल रहेगा और उसके साइज में इजाफा नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं और बाद में उन्हें देख भी सकते हैं। ये हमारी एनरोलमेंट हो गई। एनरोलमेंट के बाद हम आते हैं रोल नंबर्स के ऊपर। तो हम वन क्लिक रोल नंबर्स जनरेट कर सकते हैं फॉर ईच एंड एवरी क्लास। जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप करता हूँ, तो मेरे पास चूँकि अभी दो स्टूडेंट हैं तो ये दो आ चुके हैं। टर्म, ईयर, रोल नंबर, स्टार्ट फ्रॉम, ये चीज़ें। अब जब तक आप डेट शीट तैयार नहीं करेंगे, आप अपने रोल नंबर असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताना होगा कि आप किस टर्म के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर असाइन कर रहे हैं। तो इस मकसद के लिए हम पहले चलते हैं और सेटिंग्स के अंदर हम डेट शीट तैयार करते हैं। डेट शीट न्यू, मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ फर्स्ट टर्म। जून का मंथ आ चुका है, अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है कि जो भी हमारा करंट मंथ चल रहा हो वो हमारे पास आ जाए। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास प्ले ग्रुप। जैसे मैंने क्लास प्ले ग्रुप की है तो आप देख सकते हैं, मैं हमारे वो चार सब्जेक्ट्स जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे डेट करता हूँ 27/6, थर्सडे आज आ गया। जो भी टाइम आपका होगा वो आपने लिखना होगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी का टाइम कर देता हूँ 9:34। अपडेट आर कैंसिल विदाउट एड, न्यू आर एडिट, ठीक है। इससे मैं फिलहाल डेट है 27/6, 28/6, 29/6, 30/6। तो 30 आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये संडे है। तो मैं इसे करता हूँ 1/7, तो ये हमारे पास मंडे आ जाएगा। और इस तरह से आप जो है अपनी डेट शीट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी क्लास है? प्ले ग्रुप के लिए। और इसका प्रिंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट टर्म डेट शीट फॉर क्लास रो फॉर क्लास प्ले ग्रुप जून 2024। तो इसमें मज़ा ये है कि आप अगर डेट शीट अलग से प्रिंट आउट करना चाहें तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। अगर आप रोल नंबर के साथ निकालना चाहें तो आप यहाँ पे रोल नंबर्स के ऊपर आके अपने रोल नंबर्स जनरेट करेंगे, और जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास रोल नंबर भी आएगा और साथ में उसकी डेट शीट भी आएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट टर्म 2024, और इन्हें मैं असाइन करता हूँ 1005, 1005 से। और मैं क्लिक करता हूँ गो के ऊपर। 1005, 1006, हमारे ये दो रोल नंबर जनरेट हुए क्योंकि हमारे सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स हैं। इसे मैं कर देता हूँ ओके। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने पर आपको दोनों रोल नंबर्स यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। एक पेज के ऊपर दो आएंगे आपके, बल्कि तीन आएंगे अगर हम इसे पेज सेटअप में जाके A4 कर दें। मैं यहाँ पे करता हूँ A4 और ओके। तो तीसरा रोल नंबर जब हमारा होगा वो हमारा यहाँ पे नीचे आएगा और हम जो है प्रिंट इनका निकाल के इनको बीच में से काट सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे आपने रोल नंबर्स प्रिंट आउट किए हैं, तो इनका सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। जहाँ पे ये कट हेयर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपना स्केल रख के कटर की मदद से काटते जाएंगे तो सारे एक दूसरे के नीचे जो हैं वो सारे के सारे सही कटिंग होगी उनकी इंशाल्लाह, ठीक है। तो पिक्चर हमने चूँकि एक ही अपलोड की थी और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे अपेयर भी हो रही है। साथ साथ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, उनका टाइम स्टार्ट और एंड भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमारे लिए काम आसान कर देता है। तो इस तरह से आप अपने रोल नंबर्स असाइन कर सकते हैं अपने किसी भी स्टूडेंट को। सर्च का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप किसी भी नेम के थ्रू सर्च करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे तरीके से सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया है रोल नंबर की मदद से, उसी तरीके से ही आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे और यहाँ पे आप उसे क्लोज कर सकते हैं। ये आपका आपके लिए है, ये आपका डाउन के लिए। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो जाएं और आपको स्क्रॉल माउस का स्क्रॉल घुमा घुमा के नीचे जाना पड़े, उसके बजाय मैंने यहाँ पे बटन बना दिए हैं, अगर आप जंप करें फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर, जंप करें लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है, ये हमारा रोल नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्टर कंप्लेंट। आप स्टूडेंट के खिलाफ अगर कंप्लेंट आ गई है तो आप यहाँ पे उसे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज की डेट करता हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट भी आज ही की करता हूँ। हो सकता है कंप्लेंट डेट पहले की हो, आप उसे आज रजिस्टर कर रहे हो, तो ये इसलिए दो अलग अलग डेट्स दी गई हैं, कंप्लेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट। सोर्स क्या है, आपको किस सोर्स ऑफ मीन से ये मिली है, डायरेक्ट किसी ने की है, फ़ोन किया, ईमेल है, लेटर वगैरह वगैरह, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। रिगार्डिंग,
किस चीज़ के मुतलिक है। होमवर्क इनकम्प्लीट होता है, लेट आता है बच्चा, जल्दी चला जाता है, क्लासेस बंक करता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप इनमें अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इनकम्प्लीट होमवर्क ये होता है इसका। अब क्या मीटिंग हेल्ड हुई थी या नहीं हुई थी? अगर तो मीटिंग हेल्ड हुई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप इसे चूज़ करेंगे, चेक करेंगे, और रिमार्क्स में आपने फिर लिखना है कि वो जो मीटिंग हेल्ड हुई है उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट क्या निकला है। ठीक है, ये आपने रिमार्क्स में ऐड करना है। उसके बाद आपके पास कंप्लेनेंट है, किसने कंप्लेंट की है, टीचर है, स्टूडेंट ने स्टूडेंट के खिलाफ की है, पेरेंट ने की है, या कोई दूसरी है। तो मैं यहाँ पे टीचर करता हूँ और उस टीचर का नेम हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब किस स्टूडेंट के खिलाफ की गई है वो आपके पास तमाम के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। आपने सिंपली टाइप करना है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर उसने रिटर्न दी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, अपलोड करेंगे आप, और डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे उसका डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ सेव। प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, आपकी ये रिपोर्ट इस तरह से प्रिंट होगी स्टूडेंट कंप्लेंट के हवाले से। और अगर आपने नोटिस सेंड करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और आपकी ये आपका ये जो मैसेज है या नोटिस है ये सेंड हो जाएगा। फिलहाल मैंने सिम सॉरी फिलहाल मैंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया, इसलिए ये हमारा मैसेज सेंड नहीं हुआ। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका ये मैसेज फिर सेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें आपको सारी की सारी मीटिंग्स नज़र आएंगी और आप इनमें फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि बाज़ दफ़ा मुझसे कस्टमर्स पूछते हैं कि हमें रिकॉर्ड्स देखने हैं, हम क्लास प्ले ग्रुप के देखते हैं, कैसे देखें? राइट क्लिक करेंगे, आपके पास फ़िल्टर आ जाएंगे। फ़िल्टर में आपने करना है इक्वल टू कौन सी क्लास है, या आप राइट क्लिक करके इक्वल टू प्ले ग्रुप करेंगे तो भी आपके पास आ जाएंगे। अगर आप कोई और करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर में आके करता हूँ, टेक्स्ट फिल्टर बिगिंस विद एंड विद वगैरह वगैरह, ये सारे वो फिल्टर्स हैं जो आप एक्सेल में देखते रहते हैं, अगर आपने कभी एक्सेल वगैरह यूज़ की है तो ये सारे के सारे फिल्टर होंगे। और फिल्टर्स आपके चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू फील्ड टाइप्स। जैसे कि अगर आपके पास कोई डेट है तो वहाँ पे आपके पास फिल्टर्स और होंगे, टेक्स्ट के ऊपर आपके और फिल्टर होंगे, नंबर्स के ऊपर आपके और फिल्टर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर फिल्टर में इक्वल, डज नॉट इक्वल, लेस देन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं। आप फिल्टर यूज़ करते हुए जो भी चीज़ फिल्टर करना चाहें वो आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये सवाल कि हम कैसे ये चीज़ शो करें, कैसे हमारे पास आए, मेरे नए ख्याल कि ये सूदमंद है। बहरहाल उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास ऑप्शन है क्लास का, यानी आपने मेन हेडिंग देखनी है स्टूडेंट लेजर। हमारे पास ये सेक्शन है स्टूडेंट लेजर का, और इसमें हम चूज़ करेंगे कि कौन सी क्लास में से कौन सा स्टूडेंट है जिसका लेजर हम देखना चाहते हैं। जैसे मैं प्ले ग्रुप के ऊपर करता हूँ, इशफाक अहमद, और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डाटा मैं देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन लेजर करूँगा तो मुझे उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग आवर फी स्ट्रक्चर, वो सारी सारी यहाँ पे ऐड होती रहेंगी और हम उन्हें लेटर ऑन देख सकते हैं। अभी चूँकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, उसकी एंट्री है, उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। डिटेल लेजर में आपके पास तमाम के तमाम स्टूडेंट्स और उनकी एक्टिविटीज़ शो हो जाएंगी, और आप सर्च करते हुए किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है जी आर रजिस्टर या जनरल रजिस्टर जिसे कहते हैं, और इसका प्रिंट आउट आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा जनरल रजिस्टर रिपोर्ट है जिसमें हमारे स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये स्कूल के अंदर होता है तो इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। और अच्छा, इसमें एक छोटा सा मसला ये भी है, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स गलत आ रही है मेरे पास, तो इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ किस स्टूडेंट को, आप यहाँ पे कर सकते हैं, या अगर आप सर्च करना चाहें तो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी आर रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास प्रमोशन आ जाती है, डायरेक्ट प्रमोशन। दो किस्म की प्रमोशन हमारे पास यहाँ पे है, एक है डायरेक्ट प्रमोशन, एक हमारे पास है आफ्टर कंडक्टिंग एग्ज़ाम। तो ये डायरेक्ट प्रमोशन है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम आते हैं अगर हम रिज़ल्ट क्रिएट कर लें। एक रिज़ल्ट हम बना लेते हैं। अब मुझे पता है मैं जंप कर रहा हूँ स्टूडेंट से रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि कन्फ्यूजन का बायस होता है हमारे व्यूअर के लिए,
या यूज़र के लिए, लेकिन चूंकि ये उससे रिलेटेड है और इसे हम छोड़ के आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक रिज़ल्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक रिज़ल्ट मैं आता हूँ यहाँ पे, आईडी हमारी होगी 1/2024 एनुअल फर्स्ट टर्म रिज़ल्ट डेट आज की है। बाय नेम मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अगर आप बाय रोल नंबर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं मैंने आमिर सुहेल चूज़ किया है। मैं अगर करता हूँ 1005 तो 1005 की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, जो कि है इशफाक अहमद। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चूज़ करें तो चूज़ भी कर सकते हैं, बाय आईडी अगर हम करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया, मैं ऐड करता हूँ सब्जेक्ट्स। वो चार सब्जेक्ट्स जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब उनके ऑब्टेन मार्क्स हमें जस्ट टाइप करने हैं। जैसा कि अगर मैं करता हूँ 33, तो ये 33 वाला पास है। 32 मैं करता हूँ तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया बताया है कि 33 वाला हमारे पास पास होगा। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, 75, 60 और 76। तो ये हमारी बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई है। CGPA हो गया, सॉरी GPA हो गया और रिमार्क्स हो गया। ये GPA जो है किसी कस्टमर ने मुझसे कहा था कि ये भी ऐड होना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा फिगर आउट करने में आसानी होती है। बहरहाल ये मैंने ऐड कर दिया है, ये रिपोर्ट के ऊपर शायद नहीं आएगा, रिजल्ट कार्ड के ऊपर, जस्ट आपको ऑन स्क्रीन नज़र आएगा। और जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकता और मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। ज़ाहिर है छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं और काम जब होता है उसके ऊपर फिर पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे GPA 10.6 आ रहा है, जो कि मज़े का खेज है। ठीक है, ये मुझे सेट करना चाहिए। हमारी जो हमारे ऑप्टेन मार्क्स हैं उनके ऊपर ये कैलकुलेट होगा, तो जो भी हमारा बनेगा एवरेजेस का वो आना चाहिए, जो कि गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ और फिर मैं वीडियो देख के इसको रिमूव भी करूँगा। और मुझे हैरत हो रही है, अभी तक ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ऊपर ही होंगे स्कूल जो ये चीज़ रन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे ये पॉइंट आउट नहीं किया। तो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन भी है, पोजीशन आपने मैनुअल ऐड करनी होगी। उसका सबब ये है, जैसे मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट्स जिनके सेम मार्क्स आ चुके हैं, तो बना सकते थे हम इसमें कि ऑटोमेटिकली उसके नंबर्स जो हैं नंबर्स के हिसाब से हमारी पोजीशन कैलकुलेट हो, लेकिन अब एक ही क्लास के दो बच्चे जिनके सेम मार्क्स आ चुके हैं, तो अब उन्हें कैसे फर्स्ट और सेकंड हम बताएंगे कि ये फर्स्ट है और सेकंड है। इसलिए मैंने इसे मैनुअल रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे उसकी पोजीशन अगर है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर साथ साथ हमारे पास ऑप्शन है एबसेंट का, अगर कोई स्टूडेंट एबसेंट है पेपर में नहीं आया तो आप सिंपली एबसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके ये सारा स्टेटस इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा। प्रिंट में आप रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये चीज़ देख सकेंगे कि आपको यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसका मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि आपने कैसे डिज़ाइन करना है ये रिज़ल्ट कार्ड। आप अपनी मर्ज़ी से इसे सेट कर सकते हैं पीछे कोई भी बैकग्राउंड वगैरह या चीज़ें देने के बाद। तो मैं इसे वापस करता हूँ और इसके मार्क्स मैं लिख लेता हूँ 66। ठीक है, और इसे मैं करता हूँ सेव। सेव करने पर हमारे पास ये हिस्ट्री में चला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस रिज़ल्ट हिस्ट्री, जितने भी एग्ज़ाम उसने कंडक्ट किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। हम उन्हें एडिट करना चाहें तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया, साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर हम इशू करना चाहें इस स्टूडेंट को, तो आप देखेंगे ये हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जिसमें हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर एग्ज़ाम शो हो रही हैं और हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रमोट का, कि आप अपने इस स्टूडेंट को प्रमोट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ सेंड मैसेज के ऊपर, पहले क्लिक करता हूँ टेक्स्ट मैसेज और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है मेरा लिंक, मैं दोबारा से लगा लूँ जी, हो गया मैसेज हमारा ये सेंड हुआ है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझसे ही सेंड हुआ है और मुझे ही मौसूल हुआ है, इसलिए दो तहरीरें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये हो गया और उसके बाद हमारे पास है प्रमोट। अब इसमें ये चीज़ मैंने रखी है, अगर कोई स्टूडेंट एबसेंट है या ये स्टूडेंट फेल हो जाता है किसी भी
उसमें नहीं अपेयर हुआ टेस्ट में, पेपर में सॉरी। तो जब ये पेपर में अपेयर ही नहीं हुआ और आप उसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये आपको मैसेज देगा कि डू यू वांट टू प्रमोट दिस स्टूडेंट डिस्पाइट स्टेटस एज फेल्ड। अब चूंकि ये स्टूडेंट फेल हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या आप उसे प्रमोट करना चाहते हैं? आपकी मर्ज़ी, आप यस करते हैं या नो करते हैं। तो यस करने पर हमारे पास ये स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा इनटू नेक्स्ट क्लास जो कि है नर्सरी। आप देख सकते हैं नर्सरी में प्रमोट हुआ है, उसका ए सेक्शन ऑटोमेटिकली आया है। पिछली क्लास उसकी प्ले ग्रुप हो चुकी है प्रीवियस क्लास में, साथ साथ हमारे स्कूल का नेम आ चुका है कि हमारे स्कूल में ये ज़ेर तालीम था। ठीक है, लास्ट जो हमारा स्कूल है वो यहाँ पे आ चुका है, एडमिशन डेट भी आ चुकी है, स्टेटस इसका एक्टिव है। व्यू के अंदर आप आके हिस्ट्री में देख सकते हैं कि इसका डाटा एंटर हुआ था 26 को, फिर ये प्रमोट हुआ है नेक्स्ट ग्रेड को 26 डेट को ही नर्सरी में फ्रॉम प्ले ग्रुप। तो ये सारी की सारी उसकी हिस्ट्री हमारे पास आ जाएगी। अलबत्ता आपको वाउचर या सॉरी फी हेड्स जो हैं वो आपको दोबारा से मेंटेन करने होंगे, क्योंकि हमने नर्सरी के लिए अभी तक हेड्स ऐड नहीं किए थे। तो ये हो गया, मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स के अंदर आके हम आते हैं क्लासेस में, और नर्सरी के लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। मिसाल के तौर पे ट्यूशन फीस हमारे पास है 500 रुपये, मंथली स्कूल फी है 1000 रुपये, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब एक स्टूडेंट हमारा प्रमोट हो चुका है बाय कंडक्टिंग हिज एग्ज़ाम, और दूसरा जो हमारा है वो हम डायरेक्ट प्रमोट करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम कैसे होता है। प्ले ग्रुप मैं चूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं प्ले ग्रुप हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, सिंपली आपने करना है प्रमोट ऑल स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू प्रमोट, यस, और ये हमारा स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा इनटू नेक्स्ट ग्रेड। ये आप देख सकते हैं हो गया, डन। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर और हम देखते हैं दोनों ही नर्सरी में जा चुके हैं। हमने जो दूसरा स्टूडेंट प्रमोट किया है, डायरेक्ट प्रमोशन जिसकी हमने की है, उसे हम एडिट में आके उसका फी हेड देख सकते हैं जो कि 1500 रुपये है। ठीक है, आपको याद होगा अभी अभी मैंने ऐड किया है, बाद में किया है, जब मैंने इसे प्रमोट किया है आमिर सुहेल को, उस वक्त मैंने ऐड नहीं किए थे, इसलिए इसके हेड्स नहीं होंगे, आपको ये मैनुअल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। आपने पहले से ही अगर सारे हेड्स ऐड किए होंगे और फिर जब आप प्रमोट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो आपके ऑटोमेटिकली हेड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे इनटू इट्स रिलेटेड कैटेगरी। तो ये है आपका प्रमोशन। अब प्रमोशन के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। मिसाल के तौर पे प्रमोशन में आप यहाँ पे करें शो ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास, अच्छा ऑल स्टूडेंट्स का मैंने ऑप्शन नहीं रखा, बल्कि आप क्लास वाइज ही करेंगे जो भी क्लास आपकी होगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास नर्सरी आ गई है, नर्सरी मैं प्रमोट करता हूँ नेक्स्ट ग्रेड में, इसके आगे वाला जो भी ग्रेड होगा यानी प्रेप है, तो ये प्रेप में चले जाएंगे। अब आपने प्रेप वाले भी प्रमोट करने हैं, तो ये प्रमोट करने के बाद आप जब प्रेप पे जाएंगे तो ये भी तो उनमें शामिल होंगे। इसलिए जब आप प्रमोट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे हमारा सीन बना था अभी कोरोना के हवाले से, उस वक्त वैसे ही प्रमोट किए गए थे, तो पहले आप हायर क्लासेस को प्रमोट करेंगे फिर लोअर को। ठीक है, आप टेंथ से स्टार्ट होंगे, टेंथ आपका लास्ट लेवल है, उसके बाद आपके पास अपग्रेड वो नहीं होंगे क्योंकि आपने स्कूल लेवल चूज़ किया हुआ है एज अ हाई। ठीक है, तो आपने नाइन्थ करनी है फिर एट्थ करनी है, इस तरह से आप सीक्वेंस में आएंगे, ना कि आप नीचे से जाएं। जब आप नीचे से जाएंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड, एक टाइम आएगा कि वो सारे के सारे ही प्रमोट हो चुके होंगे टेंथ क्लास में। ठीक है, आप नीचे से जाएंगे प्ले ग्रुप, प्ले ग्रुप से नर्सरी हो जाएगी, नर्सरी से वही हमारे स्टूडेंट्स प्रेप में चले जाएंगे, फिर वही प्रेप वाले आगे चले जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे जब भी आप प्रमोट कर रहे हों, तो इस सीक्वेंस से आपने ये प्रमोशन करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास विड्रॉल रजिस्टर है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेशन आप चूज़ करेंगे और प्रिंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपको ये एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके जो कि आपको अलग से मेंटेन करना पड़ता है स्कूल्स के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी स्कूल हो, तो उनमें एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, अहमियत का हामिल है, और कई बार उसी से ही आगे मतलब फ़ायदा लिया जाता है, जैसे कोर्स के अंदर एविडेंस के लिए भी दरकार होता है वगैरह वगैरह। तो ये आपका एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर भी यहाँ पे रखा गया है,
आप सर्च करके यहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आपने एडिट करना है, उसका रोल नंबर प्रिंट आउट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाएंगी। ठीक है, ये विड्रॉल रजिस्टर है, वैक्सीन डिटेल है, किसी भी स्टूडेंट को वैक्सीन अगर लगाई गई है तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है येस नो, और उसकी फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिख लेनी है। ये जस्ट आपका एक रिकॉर्ड है, और आप इस रिपोर्ट को फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं कि उसे ये वैक्सीन लगाई गई है या नहीं लगाई गई वगैरह वगैरह। इसी तरह एज कैलकुलेटर है, आपने एज कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे और कैलकुलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपको वो बताएगा कि कितने दिन, कितने मंथ और कितने डेज बनते हैं। ये हमारा स्टूडेंट का टैब था। उसके बाद हम आते हैं फी मैनेजर के ऊपर। फी मैनेजर बहुत ही ज़रूरी है समझना हमारे उन कस्टमर्स के लिए जो न्यू हैं या जिन्हें समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो आप जनरेट करते हैं वाउचर्स हर एक क्लास के लिए, हर एक मंथ के लिए, क्लास वाइज तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे स्कूल के लिए जनरेट होंगे वंस एट वंस। एक ही क्लिक के ऊपर आप इन्हें जनरेट करेंगे और फिर लेटर ऑन अगर आप उनसे फीस वसूल करते हैं या किसी भी एक क्लास को आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फी आईडी करता हूँ 1, एक से स्टार्ट हो रही है, आज की हमारी डेट है, लास्ट डेट इसकी क्या होनी चाहिए मैं करता हूँ 1/7। किस मंथ के लिए है? जून के मंथ के लिए है, ओके, या मैं करता हूँ जुलाई। एक से ज़्यादा मंथ भी आपने चूज़ करने तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कर देता हूँ जुलाई, और यहाँ पे मैं उसे बताता हूँ टोटल मंथ कितने हैं। एक मंथ की हमारी फीस है 1500 रुपये बन रही है, ठीक है, 1500 रुपये। तो हम देखते हैं क्या ये ठीक है या नहीं, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज। हम आते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पहला स्टूडेंट, इसकी फीस आई थिंक हमने ऐड नहीं की थी, अच्छा इसकी है 1500 रुपये, दूसरे की नहीं होगी जो कि हमने प्रमोट किया था और उनके हेड्स हमने नहीं दिए थे, ये देखिए आप यहाँ पे नहीं है। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें करता हूँ मंथली फीस है 1000 रुपये और ट्यूशन फी है 500 रुपये, यानी इसके भी 1500 रुपये मैंने बना दिए हैं। और अब हमारे पास वहाँ पे 3000 आएंगे, दो स्टूडेंट्स हैं तो उन दोनों के लिए हमारे पास 3000 होंगे। आज की डेट 1/7 जुलाई, ओके, एक महीना, तो आप देखेंगे 3000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट है, अगर आप उस डिस्काउंट से जो हमने पहले ऐड किया है फॉर सिबलिंग, अगर आप उससे हटके कोई और देना चाहते हैं डिस्काउंट तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज में आप लिखते हैं मर्जी है, 5% उसका 150 रुपये बनते हैं। अगर आप उसके अमाउंट लिख लेते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। मैं इसको 0-0 कर देता हूँ और जनरेट वाउचर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी विंडो आती है जो कि कहती है आप अपना आईडी नंबर लिखें जो आपको ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, या हमारे पास फी आईडी है 1, मैं इसी को लिखने के बाद ओके कर देता हूँ। हमारे वाउचर्स यहाँ पे अपेयर हो चुके हैं जो कि इंस्टीट्यूट के लिए हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुरू शुरू में कि जब आप इंस्टीट्यूट अकाउंट करेंगे तो आपके पास इंस्टीट्यूट अकाउंट के लिए वाउचर्स जनरेट होंगे, अगर आप करते हैं बैंक अकाउंट तो आपके पास बैंक के लिए 3 पर्त निकलेंगी, एक स्टूडेंट कॉपी, एक इंस्टीट्यूट कॉपी और तीसरी बैंक कॉपी। इसी तरह अगर आप मेथड चूज़ करते हैं नॉर्मल या थर्मल तो उसी के हिसाब से ही आपके पास ये सारी की सारी जनरेट होंगी। हम वापस चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने छोड़ा था, मैं आता हूँ सेटिंग्स प्रोफाइल, यहाँ पे मैं करता हूँ बैंक चालान, बैंक में मैं कर देता हूँ HBL 13591234567890, ब्रांच हमारी है सर्कुलर रोड ब्रांच, या जस्ट हम इसको करते हैं मेन ब्रांच, सॉरी 1359, ये मेरे पास है, सेव एंड क्लोज मैं कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ फी मैनेजर के ऊपर, जनरेट वाउचर, वो जो वाउचर मैंने अभी भी जनरेट किए हैं उसे मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, फी वाउचर, इंस्टीट्यूट कॉपी, बैंक कॉपी और स्टूडेंट कॉपी, और हमारे पास यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, बैंक का नेम भी साथ में ही है, और ये दो हमारे पास वाउचर्स जो हैं आ चुके हैं जो हमने अभी भी जनरेट किए हैं, ठीक है। इनमें एरियर्स भी साथ इंक्लूड हैं, 2000 इसने देने थे, 500 रुपये इस स्टूडेंट ने देने थे, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रही है।
2000 हमारे पास यहाँ पे रुपीज़ हैं जो कि ग्रैंड टोटल में नज़र आ रहे हैं जो कि पेएबल हैं बाय आवर स्टूडेंट। तो मैं इसे करता हूँ क्लोज और अब मैं आता हूँ प्रोफाइल प्रिंट मेथड थर्मल प्रिंटर और इंस्टीट्यूट अकाउंट सेव फी मैनेजर जनरेट वाउचर सेलेक्ट प्रिंट। ये आपका थर्मल का साइज है, ठीक है, ये थर्मल साइज मैंने दिया हुआ है जो कि आप प्रिंट आउट कर लेंगे आपने जो थर्मल लिया होगा उससे। फी स्लिप स्टूडेंट कॉपी सिर्फ आपके पास एक ही कॉपी है। तो ये है हमारे पास इसका ऑप्शन, आप यहाँ पे रिसीव करें इसी के अगेंस्ट फी यानी जुलाई के लिए। तो आप करेंगे यहाँ पे क्लिक रिसीव फी, जितने भी वाउचर्स जुलाई के होंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हमने रिसीव की है कोई अमाउंट तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर रिसीव नहीं की तो हम सिंपली यहाँ पे मार्क एज ड्यू करेंगे। मार्क एज ड्यू करने पर आप याद रखें आपकी ये अमाउंट स्टूडेंट लेजर में चली जाएगी और फिर जब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी उसमें ये इंक्लूड होके आएगी। जब आप एक दफ़ा मार्क एज ड्यू करेंगे तो आप फीस दोबारा वसूल नहीं कर सकेंगे, ये आपने जहन में रखना है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस स्टूडेंट को चाहता हूँ कि इसकी मार्क एज ड्यू हो जाए जबकि इसके मैं 3000 रुपये वसूल कर लेता हूँ, 500 रुपये उसके बाकी रह जाएंगे और ये वाउचर यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, हमारी एक्टिविटी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है, अब हम आते हैं जनरेट वाउचर में और वाउचर हम जनरेट करते हैं 2 नंबर आज की डेट 17, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सितंबर ऑटोमेटिकली आया है, पिछला महीना हमारा जुलाई का था तो मैं इसे करता हूँ अगस्त। ओके, 1 महीना जनरेट वाउचर 2 नंबर यानी हमारी फी आईडी और ओके फी आईडी देते वक्त आपने एहतियात करनी है, खसूसी एहतियात करनी है, ठीक है। ये हमारे वाउचर्स आएंगे जिनमें आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 ड्यू डेट है और इसमें मंथ है अगस्त 2024 का। इसमें 2000 रुपये एरियर्स थे, 3500 रुपये टोटल बने जो कि हमने मार्क एज ड्यू किए थे और सॉरी पिछले हमने ड्यूज किए थे, ये वाले तो अभी हमने कुछ वसूल ही नहीं किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये उसके बाकी थे। तो ये इस तरह से हमारे सारे वाउचर्स जो हैं वो आएंगे और आप यहाँ पे अनपेड वाउचर्स में देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अगस्त वाले हमें दिखा रहा है, हमें यहाँ पे अगस्त वाले दिखा रहा है, ये जुलाई की चूंकि हमारी एक्टिविटी हो चुकी थी इसलिए वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप ऑल वाउचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें अमाउंट ड्यू है और ये पार्शली पेड हुई है, आप दोबारा से यहाँ पे रिसीव्ड नहीं कर सकते, ये आप जहन में रखें। अगर आप किसी भी करंट रिकॉर्ड के लिए प्रिंट आउट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया ऑल वाउचर्स। उसके बाद एडवांस फी है, ऐसी फीस जो आपकी मंथली फीस से हटके है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आसान है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडवांस फी। इसी तरह अदर फी है, अदर में मिसाल के तौर पे कोई कोई टूर है, ठीक है, और कोई पार्टी है वगैरह वगैरह, उसके लिए आप यहाँ पे जनरेट करके प्रिंट आउट दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को और फिर यहीं पे ही आप फिर फीस वसूल कर सकते हैं या आप लेजर में भी फिर जाके वसूल कर सकते हैं। इसी तरह फी बाय फैमिली आईडी है, अब बंदा आता है वो कहता है मेरे जितने भी बेटे हैं बेटियां हैं बच्चे हैं उन सब की फीस आप वसूल कर लें, आप फी आईडी यहाँ पे उसकी लिखेंगे, ठीक है, आज की डेट में लिखता हूँ रिसीव डेट में और ये है फैमिली आईडी, मैं यहाँ पे फैमिली आईडी करता हूँ तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आ चुकी है। 3000 रुपये टोटल उनके बनते हैं, दोनों को मिला के 2500 रुपये एरियर्स भी हैं, टोटल 5500 रुपये बनते हैं। आपने जितनी भी अमाउंट रिसीव की है वो यहाँ पे आपकी डिवाइड होके इन दोनों स्टूडेंट से लेस हो जाएगी सेव करने पर, ठीक है। ये है आपके पास फी बाय फैमिली आईडी। और इसी तरह स्टूडेंट ड्यूज़ अगर आपने देखने हैं तो ये आप देखेंगे 2000 एक के हैं और 500 रुपये दूसरे के हैं और फिर आप इन्हें मैसेज सेंड कर सकते हैं बाय टाइपिंग योर मैसेज, जो भी आप यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे, प्लीज पे योर चाइल्ड्स एरियर्स एज सून एज
पॉसिबल। और फिर आपने यहाँ पे सेंड टू ऑल के ऊपर क्लिक करना है, आपका ये मैसेज सारे जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको कन्वे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट ड्यूज। उसके बाद हमारे पास है फी रिपोर्ट। आप फी रिपोर्ट प्रिंट आउट करना चाहें तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फी रिपोर्ट। और इसमें आप देख सकते हैं क्लास नर्सरी में दो चार हमारी एक्टिविटीज हुई हैं, अगस्त जुलाई, अगस्त जुलाई के लिए। अब यहाँ पे भी एक मसला हो जाता है कि कस्टमर मुझे कॉल करते हैं कि ये सीक्वेंस में नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। सिंपली आपने रिपोर्ट व्यू के ऊपर क्लिक करना है राइट क्लिक करके, और आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं इक्वल, अच्छा सॉरी यहाँ पे फिल्टर नहीं है, मैं खैर इसकी तो हमारी एक्टिविटी के हिसाब से होता है अगस्त। ये आमिर ए वाले हैं तो ये पहले आए हैं, बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ कि इसमें हमारे मंथ के हिसाब से आए, जो भी मंथ हमारा होगा वो पहले आए, ठीक है। तो ये हमारी फी रिपोर्ट है। इसी तरह फी कार्ड अगर आपने प्रिंट आउट करना है, जैसा कि मैं करता हूँ क्लास प्ले ग्रुप नर्सरी में इशफाक अहमद के लिए फी कार्ड, तो इसमें आप देखेंगे जुलाई अगस्त दो हमारे पास यहाँ पे मंथ हैं, और मार्क एज ड्यू एक मंथ हमारा हुआ था, यानी इसने हमें पे नहीं किया था, और ये इंक्लूड होते हैं हमारे पास यहाँ पे इस रिकॉर्ड में, ठीक है, 1500 रुपये। तो ये हमारा फी कार्ड होगा। और वाउचर हेड्स हैं, यानी अदर वाउचर जो हम बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अदर फी का कहा है, अदर फी में फिर आप बताते हैं कि ये टूर पे जा रहा है कहीं, या कोई पार्टी है, या कोई भी चीज़ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो फी वाउचर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक ही दफ़ा, और फिर आप अदर फी वसूल करते वक्त उनको चूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा फी मैनेजर का हिसाब। उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ में बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है तो लिखें, सैलरीज, अटेंडेंस और चार्जेस या डिडक्शंस, वो चीज़ें जो आप उसे पे करेंगे, वो अलाउंसेस, वो कटौतियाँ वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे टाइप करनी है। फिर आपके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर, प्रोफाइल वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम एक अपॉइंटमेंट कर लेते हैं ताकि हमें रिकॉर्ड्स का पता चल सके। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय ID देता हूँ 1, इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो इसमें मैं लिखता हूँ हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिग्नेशन है, तो डिजिग्नेशन आप सेटिंग्स में जाके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिंसिपल। अब लीव्स और बेसिक पेज है आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ से आएगी, यानी आप डिजिग्नेशन में लिखेंगे कि इसकी डिजिग्नेशन ये होगी, और डिजिग्नेशन के अगेंस्ट आपने लीव्स और बेसिक पे लिखनी है। खैर आप वहाँ पे लिखें या दोबारा से आप यहाँ पे लिखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैनुअल टाइप कर सकता हूँ, और 25,000 मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बेसिक पे का। और उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट है, स्टेटस है, जॉब टाइप कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या परमानेंट है, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं जो भी आपने करना हो। ड्यूरेशन में आपके पास है कि आप फिगर चूज़ करेंगे 1 से 31 के दरमियान, और फिर आप आगे बताएंगे कि मंथ के लिए है, एक महीने के लिए है, एक दिन के लिए है, एक साल के लिए है वगैरह वगैरह, या ज़्यादा आपके पास अगर दिन हैं तो आप यहाँ पे दिन वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 31 तक है आपके पास, 27/7/2024, ठीक है, ये हमें वो बता रहा है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। बहरहाल मैं इसको परमानेंट करता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे पास रिलीजन है, बर्थ प्लेस है और बर्थ डेट है, ठीक है जी। इसी तरह एरियर्स अगर हैं कोई तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे। क्वालिफिकेशन में बहुत ही आसान है, आप चूज़ करते हैं एकेडमिक या प्रोफेशनल। अब एकेडमिक में मैं अगर आ जाऊँ, SSC से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और इसमें हमारे पास साइंस,
ठीक है जी, इसी तरह फिर एकेडमिक और एचएसएससी 2007 इसमें भी हमारे पास नंबर और परसेंटेज, फिर उसके बाद हमारे पास एकेडमिक 2009 ठीक है जी, इसमें मैं कोई भी मार्क्स टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव करते हैं, प्रिंट करने पर जब हम ऑप्शन में आएंगे अपॉइंटमेंट लेटर और या कोई भी दूसरी रिपोर्ट, तो उसके अंदर अगर हमारी ये क्वालिफिकेशंस ऐड होंगी तो हमें अलग अलग से दिखाई देंगी। मैं आता हूँ दोबारा से प्रोफाइल के ऊपर, अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ऐड हो रही हैं एकेडमिक, और अगर हम प्रोफेशनल ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोफेशनल भी यहाँ पे अपेयर होंगी। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। पिक्चर अगर आपने अपलोड करनी है तो आप ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे आप बल्कि यहाँ पे अपलोड पिक्चर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे सैलरीज हमारे पास ऑटोमेटिकली आएंगी, अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली आएंगी, जबकि चार्जेस और डिडक्शंस वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि बेसिक पे कितनी है और कॉलेज अलाउंस कितना है, इवनिंग अगर क्लासेस वो अटेंड करता है टीचर तो उसके अलाउंस आप कितने उसे पे करेंगे, स्पेशल अलाउंस वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो बाकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन, सर्विस आईडी कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है सैलरीज़ का। तो अगर हम मंथली सैलरीज पे करते हैं अपने टीचर्स को, स्टाफ को, तो वो हम यहाँ पे आएंगे सैलरीज़ के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आज की डेट किस मंथ के लिए हम पे कर रहे हैं, अभी जून चल रहा है तो जून हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और उनके हेड्स आप देख सकते हैं। टोटल सैलरी जो 25,000 रुपये मैंने अभी अभी बनाई है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपने यहाँ पे पेमेंट अमाउंट लिखनी है, जैसे कि मैं 20,000 रुपये कर देता हूँ, और अमाउंट वंस इंसर्टेड कैन नॉट बी एडिट और अपडेट। तो ये आप ख्याल रखें कि जो भी आप अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो दोबारा आप एडिट या अपडेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने एहतियात से एंट्री करनी है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने पर आपके पास करंट सैलरी स्लिप आएगी, यानी करंट मीन उसी एम्प्लॉय की जिसके अगेंस्ट आप क्लिक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो जितने भी आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। करंट अगर आप मंथली प्रिंट आउट करना चाहें किसी भी मंथ के लिए तो आपको यहाँ पर मंथ चूज़ करना होगा और आप ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह सैलरी रिपोर्ट है, अगर आप सैलरी रिपोर्ट ओपन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी दूसरे फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 2000 असल में 20 आ रहा है तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रही थी। मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप, यहाँ पे सैलरी स्लिप मंथ वाइज है, जून 2024 तो इसमें भी आपके पास आ रही है। सैलरी रिपोर्ट अगर आपने ओपन करनी है तो ये आप देख सकते हैं सैलरी रिपोर्ट है, जितने भी इम्प्लॉयज़ होंगे उन सब की सैलरी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इस रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ, हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो चुका। प्रिंट में मैं आपको पहले ही ऑप्शन दिखा चुका हूँ, तो ये अब जो है इम्प्लॉय के लेजर के अंदर सर्कुलेट हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्लॉय लेजर, उसमें आप डेट्स सेलेक्ट करेंगे किस के लिए आप ओपन करना चाहते हैं, कौन सा एम्प्लॉय है चूज़ करेंगे, और डेट देने के बाद आपने ओपन लेजर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जून 2024 की सैलरीज हैं, 25,000 रुपये अमाउंट बनती थी, 20,000 रुपये हमने पे किए हैं और 5,000 उसके बाकी रह चुके हैं, ठीक है। इसी तरह सैलरीज अगर आप बाद में प्रिंट आउट करना चाहें तो यहाँ पे आप मंथ अपना देंगे, ईयर देंगे और सैलरी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप सैलरी रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्लेंट सेम उसी तरह से ही है जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, सेम उसी तरह का ही फॉर्म है। तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, और फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट
इम्प्लॉयज़ होंगे तो आपको एक्सपायरी डेट और उसका स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे दिखाएगा। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है एज कैलकुलेटर का, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में सिर्फ दो सेक्शन है हमारे पास, एक स्टूडेंट अटेंडेंस और दूसरी इम्प्लॉय अटेंडेंस। इसमें एक फंक्शन तो है अटेंडेंस प्रोक्योर करने का, दूसरा अगर आप रिपोर्ट ओपन करना चाहें किसी भी डेट की तो आप डेट एंटर करते हुए रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। मैं आता हूँ स्टूडेंट अटेंडेंस में, और यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। डेट हम एंटर करते हैं आज की डेट, और हम स्टूडेंट्स ऐड कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, और इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रेजेंट का, एबसेंट, लीव और होमवर्क का है कि अगर उसने होमवर्क किया है या नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप चेक और अनचेक कर लेंगे। तो अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो पी आपके पास बिल्कुल परफेक्ट है, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है कि आपको बार बार चेक ना करना पड़े। अगर जो स्टूडेंट एबसेंट होगा आप सर्च कर सकते हैं और फिर उसे आप एबसेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक को ढूंढना फिर मुश्किल होता है, इसलिए ये तरीका रखा है। और पूरे स्कूल की अटेंडेंस एक ही दफ़ा आएगी। अगर आप क्लास वाइज फ़िल्टर करना चाहें तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, फ़िल्टर में जाके आपने इक्वल के ऊपर क्लिक करके जो भी क्लास है वो टाइप कर लेनी है और एंटर प्रेस कर देना है, आपकी उसी क्लास के रिकॉर्ड्स यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों नर्सरी क्लास से हैं, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स इस तरह से आए हुए हैं। आप इनमें किसी भी एक को एबसेंट करना चाहें ऑन लीव अगर है, तो आप उसे ऑन लीव करके एप्लीकेशन अटैच कर सकते हैं अगर उसने एप्लीकेशन मूव की है, ठीक है। और ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ नोट कर सकते हैं। और अगर आपने सिंगल मैसेज सेंड करना है इसी स्टूडेंट को, ठीक है, उसके पेरेंट को, कि ये इस नंबर पे जाएगा, ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर आया हुआ है, आप इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं यहीं पर, ठीक है। ये वन टाइम एंट्री यहाँ पर सिर्फ चेंज होगी, और फिर जो है आपका ये मैसेज सेंड हो जाएगा इस चाइल्ड को या उसके पेरेंट को, जो भी आपने नंबर दिया होगा। और अगर आपने सबको मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ पे सेंड टू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका मैसेज जो है वो सेंड होगा। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें मैनेज होंगी। हम इसे सेव कर लेते हैं, और यहाँ से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं डेली अटेंडेंस रिपोर्ट और शीट का, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अटेंडेंस रिपोर्ट ये चीज़ है कि उसमें आपको टोटल बताएगा सेक्शन, क्लास, उसका सेक्शन, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है प्रेजेंट एबसेंट और उनकी परसेंटेज क्या बनती है, और ऑन लीव कितने हैं। इसी तरह अटेंडेंस शीट अगर आप निकालेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी क्लास क्या है, एबसेंट है, प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह। ये रिपोर्ट होगी हमारे पास। रिपोर्ट और शीट दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो इस तरह से आप अटेंडेंस प्रोक्योर करते जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी आपके रेलिवेंट सेक्शंस हैं वहाँ पर आपकी अटेंडेंस शो होती जाएगी। जैसे कि मैं अगर आपको एम्प्लॉयज़ के अंदर आके दिखाऊँ, जो हमने अभी अभी एक अपॉइंटमेंट की है, मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी, अभी तक हमने एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस नहीं प्रोक्योर की, तो मैं आता हूँ आज की अटेंडेंस लगाता हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए। आज मैं डेट लिखता हूँ और ऐड कर देता हूँ एम्प्लॉयज़। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सेम उसी तरह से ही ऑप्शंस आए हैं जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स में आते थे। तो इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्लॉयज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ एडिट। इसमें अगर हम अटेंडेंस के अंदर आएँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी अटेंडेंस यहाँ पर एक लगी हुई है आज की डेट की, और स्टेटस में प्रेजेंट भी हमें दिखा रहा है। अगर हम आएँ स्टूडेंट्स के अंदर और किसी भी एक स्टूडेंट को एडिट करके ओपन कर लें, और यहाँ पे हम देखें व्यू स्टूडेंट अटेंडेंस डिटेल, तो इसमें भी आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आएगी। आप देख सकते हैं आज की डेट में प्रेजेंट एब्सेंट नहीं है, और ऑन लीव जो है, सॉरी ऑन लीव ये है, ठीक है जी। ये हमारी डिटेल होगी अटेंडेंस की। तो आप रिपोर्ट ओपन करना चाहें तो आपने डेट देनी होगी और आपके पास ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि आप किस तरह से रिजल्ट क्रिएट करेंगे। एक रिजल्ट हमने पहले बनाया था ये वाला, और इसी तरह बाकी भी अगर आपके रिजल्ट्स होंगे तो आप इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप रिजल्ट ओपन करना चाहें, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म 2024, आपके सिर्फ वही टर्म्स आएंगी जो आप कंडक्ट कर चुके हैं
जो भी गियर आपका है वो सारे के सारे यहाँ पे अपेयर होंगे। क्लास और पोजीशन आप अगर ओपन करना चाहें पोजीशन रिपोर्ट, तो आपके पास यहाँ पे पोजीशन जो है वो कैलकुलेट हो गया आएगी। मैंने यहाँ पे पोजीशन हाइड की हुई है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दो स्टूडेंट्स या दो से ज़्यादा के सेम मार्क्स आ गए तो आप कैसे उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए ये आपके पास ब्लैंक है, आप रिपोर्ट ओपन करके मैन्युअली इसे लिख सकते हैं कि पोजीशन रिपोर्ट कैसे आपकी तैयार होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एग्ज़ाम अटेंडेंस शीट, जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उन सब के लिए अगर आप एग्ज़ाम अटेंडेंस शीट प्रिंट आउट करना चाहें विद पिक्चर तो आपके पास आ जाएगी। अभी चूँकि प्ले ग्रुप में हमारे पास रिज़ल्ट तो है लेकिन हमारी एग्ज़ाम अटेंडेंस शीट नहीं आ रही क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं नर्सरी क्लास में। अब अगर हम नर्सरी क्लास करके इसे ओपन करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये अटेंडेंस शीट फॉर फर्स्ट टर्म 2024 एनुअल आ रही है। आप ये प्रिंट आउट लेंगे और स्टूडेंट की अटेंडेंस कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे उनसे सिग्नेचर ले लेंगे, ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम अटेंडेंस शीट है। इसी तरह अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं रिजल्ट कार्ड तो आपने चूज़ करना होगा क्लास को, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, और फिर आप प्रिंट रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ये रिजल्ट कार्ड जो हैं आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप गजट बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज तो ये आपके पास एक्सेल की एक फाइल बनेगी जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करने पर ये आपके पास ओपन होगी, उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे। ये देखिए आप, फिलहाल हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक कॉलम आगे बनाना होगा और उसमें आप टोटल कर लेंगे अपने मार्क्स को। मैं यहाँ पे बनाता हूँ टोटल और सम का फार्मूला यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब हमारे पास मार्क्स ही नहीं हैं तो बाकी जितने भी हैं वो आप इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, फिर पेज की सेटिंग आप करके प्रिंट आउट कर लेंगे। ये आपका गजट है, ठीक है, रिजल्ट गजट ये आपका आ गया। उसके बाद समरी है कि आप किसी भी टर्म ईयर के लिए देख सकते हैं कि कितने टोटल अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट हमने उसका रिज़ल्ट तैयार किया है और वो फेल हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं रिज़ल्ट समरी में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस के अंदर आप मैनुअली अपनी कोई चीज़ें टाइप करना चाहें तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया गया है, और इनसे हट के जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंसर्ट होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारे पास एरियर्स एडमिशन फ़ी की सूरत में यहाँ पे ऐड हुए हैं हेड नेम में, और 1500 रुपये हमारे थे एक स्टूडेंट के। फिर हमारे पास मंथली फ़ी आई थी और ये 3000 रुपये क्रेडिट हुए थे। फिर उसके बाद हमने सैलरी पे की थी एम्प्लॉय को, तो हमारी सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे आए थे 20000 रुपये। तो हमारी वो एक्टिविटीज़ जो इनडायरेक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट होगी। अगर हम अपने मैनुअल कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में हम आईडी लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी 1 नंबर आ रहा है आज की डेट में है, और डिस्क्रिप्शन जो भी आप नोट करना चाहें इसके अंदर, मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी है या कोई डिनर है, लंच है, जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, और उसका हेड आप यहाँ पे लिखेंगे कि किस मद में ये चीज़ लिखी गई है। या जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। उसमें हमारे पास हेड नेम इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी कि कितने हमारे ये एक्सपेंस थे। तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं डबल क्लिक टू अपलोड, जो भी आपका बिल है वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे और फिर आप इसे सेव कर देंगे। हमारा ये एक्सपेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ भी ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने एक्सपेंस को मेंटेन कर सकते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट हम ओपन कर सकेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट के, हमारी मंथली सिचुएशन कैसी रही है, हमारे कितने अमाउंट हमारी क्रेडिट हुई है, कितनी डेबिट हुई है, और हमारे पास बैलेंस इस वक्त क्या है। तो एक्सपेंस हेड्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, साथ में उसकी टाइप भी है कि एडमिशन फ़ी है तो वो क्या होती है, हमारे पास क्रेडिट होती है या डेबिट होती है।
कॉलेज डेवलपमेंटल फंड, एग्जाम फी, एनुअल फाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो आप करेंगे, और साथ में यहाँ पे आपने चूज़ करना होगा कि ये अमाउंट डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, तो उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन भी होती रहेगी। तो ये हमारी डेट रेंज है, इन डेट की मदद से हम अपने रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर आ जाऊँ एक्सपेंस रिपोर्ट ओपन करूँ, तो 26 से 27 के दरमियान, 26 डेट और 27 डेट के दरमियान हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। एडमिशन फीस हमारे पास इनकम में आई है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक्सपेंस में गई है 12,000 रुपये, फीस हमने वसूल की है 3,000 रुपये, इसी तरह सैलरीज हमने ये 40,000 रुपये दिए हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन सारी की सारी हो रही है, ठीक है। ये हमारी एक्सपेंस रिपोर्ट हो गई। और इसी तरह अगर हम जस्ट ओपन करना चाहें क्रेडिट रिपोर्ट, तो ये हमारे पास क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है, इसी तरह डेबिट की इंफॉर्मेशन है, और लास्ट में हमारे पास है कैश समरी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट की सूरत में ये हमारे पास टोटल होके सारे हेड्स आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस हमारे पास हैं। अगर आप बैंक अकाउंट अपना मैनेज कर रहे हैं अपने स्कूल का, तो वो आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ, बैंक नेम क्या है, ब्रांच कौन सी है, ब्रांच कोड कौन सा है, अकाउंट नंबर, ओनर कौन है, टाइप उसकी क्या है, सोल ओनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट है, या कोई और अकाउंट टाइप है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओपनिंग डेट क्या है, और फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी कि आज की डेट में मिसाल के तौर पे मैंने कैश डिपॉजिट कराया है 50,000 रुपये, सॉरी ये हमारे पास क्रेडिट में आएगा क्योंकि हम डिपॉजिट करा रहे हैं। और इसी तरह फिर अगर आप विड्रॉ कराते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरह से आपके इस अकाउंट के अंदर सारे रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन रहेंगे, ठीक है। ये आपकी बैंक इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो अगर आप प्रिंट आउट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप अपने मतलूबा बैंक को सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स हों, तो वो सारे के सारे भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिर चूज़ कर लेंगे। न्यू रिकॉर्ड पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी दूसरे रिकॉर्ड को, या बटन्स की मदद से हम आगे पीछे जा सकते हैं। और फिर उस मतलूबा बैंक की स्टेटमेंट अगर हमें प्रिंट आउट करनी हो, तो हम सेलेक्ट करते हैं और ओपन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो हमें उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देगी इस सूरत में, ठीक है। ये हमारे पास बैंक रिपोर्ट है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा इशू आया है, बहरहाल मैं इसे देखता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का। हम डेट एंटर करते हुए यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को। एम्प्लॉय सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ, ये हो गया। अलबत्त इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि हमारी एडमिशन फीस यहाँ पे नहीं आ रही जो हमने वसूल की है, तो ये भी मुझे देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी तरह इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ ये भी मिलेगी कि किसी भी स्कूल सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेंट्री नहीं होती। मैंने इसके अंदर इन्वेंट्री भी ऐड की हुई है। आप अपनी सारी की सारी वो चीज़ें जो आप स्कूल के अंदर ही फरोख्त करते हैं, जैसे बाज स्कूल्स में देखा गया है कि वो यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक वगैरह, वो सारी की सारी अपने पास ही रखते हैं और फिर बच्चों को सेल करते हैं, तो इसमें इन्वेंट्री भी रखा गया है। साथ साथ लाइब्रेरी और विजिटर भी, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी के अंदर ही मैंने रखा हुआ है। तो इन्वेंट्री के अंदर आप अपने सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है कि स्टॉक पड़ा हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो स्टेशनरी के आइटम्स हैं, चाहे फूड के आइटम हैं, कोई भी और चीज़ हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अब इसमें अगर मेरे पास स्कूल बैग्स हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल हम इसमें ऐड कर लेते हैं, परचेज प्राइस मैंने कितने में ये बैग ख़रीदे हैं, तो मैं इसके अमाउंट लिखता हूँ मिसाल के तौर पर 1580 रुपये, और सेल मैं इसे कितने की करूँगा, ठीक है, तो मैं इसमें कर देता हूँ 1700 रुपये। अब ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास कितनी पड़ी है जो मैं अभी इंसर्ट कर रहा हूँ अपने सारे के सारे ये रिकॉर्ड, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 पड़े हैं। नोट्स में कोई भी चीज़ आप नोट कर लें और इसे आप सेव कर लें।
हमारे ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है। परचेज हिस्ट्री, सोल्ड हिस्ट्री और रिटर्न हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी जब आप एक्टिविटीज करेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट लेजर को। ये हमारे पास प्रोडक्ट लेजर है। यहाँ पे आप डेट लिखने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप लेजर निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्कूल बैग करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट लेजर है। ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास 10 है, अमाउंट उसकी बनती है 15,800 रुपये। परचेज हमने कोई नहीं किए, रिटर्न, सेल और बैलेंस वगैरह, ये बैलेंस हमारा 10 वही 10 आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी चीज़ परचेज या सेल नहीं की। तो जब हम एक्टिविटीज करेंगे तो हमारे ये सारे का सारा लेजर भी साथ ही साथ मेंटेन हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट लेजर। और इसी तरह सप्लायर्स हमारे पास हैं जिनसे हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी स्कूल बैग्स ऐड किए हैं, तो ये स्कूल बैग्स मैंने किस से लिए हैं उनकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ अलमदीना बुक सेंटर, केपीके, डीए खान, मोबाइल नंबर और ड्यूज अगर हमने उसे देने हैं तो वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मैं इसे ऐसे ही सेव कर देता हूँ, ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, सप्लायर हमारे यहाँ पे आ चुका है और इसका लेजर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अलमदीना बुक सेंटर। तो आप देखेंगे फिलहाल चूंकि हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई इसलिए इसका ड्यूज भी इसके नहीं थे, इसलिए कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। अब अगर मैं देखना चाहूँ ड्यूज तो यहाँ पे मेरे पास होंगे। अगर किसी भी सप्लायर को मैंने पेमेंट करनी है तो वो यहाँ पे आएगी। इसी तरह अगर हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, आज की डेट मैं लिख लेता हूँ, सप्लायर चूज करते हैं और इसके ड्यूज कोई नहीं है लेकिन मैं इसे 20,000 रुपये पे कर रहा हूँ। अच्छा, वो हमसे कहता है कि ड्यूज नहीं है, इस सप्लायर के कोई भी ड्यूज नहीं है इसलिए आप अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो जब किसी भी सप्लायर के ड्यूज होंगे तो आप उससे उसे पे कर सकते हैं। अब अगर हम परचेज करते हैं तो फिर इसके ड्यूज हमारे पास आ जाएंगे। मैं आता हूँ परचेज में और यहाँ पे मैं सप्लायर बल्कि डेट में पहले लिखता हूँ, इनवाइस डेट, सप्लायर कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे स्कूल बैग, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास एक ही एडेड है, आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि दो क्वांटिटी हैं जो मैंने अभी 20 से ले ली हैं। अगर उसने मुझे कोई परसेंटेज दी है एज अ रियायत, अगर की है उसने कंसेशन दी है तो वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिखें या आप बस हाँ परसेंटेज आपके पास आएगी। ठीक है, परसेंटेज ऐड करने के बाद आप इस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपके आइटम्स ये ऐड हो जाएंगे। और अगर आपने कोई पेमेंट की है तो वो पेमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने उसे 1,000 रुपये दे दिए हैं तो उसके बाद आपने ये इनवाइस, परचेज इनवाइस जो है ये आपने सेव करनी है। उससे पहले आप सेव ना करें क्योंकि जब आप एक दफ़ा सेव कर लेंगे तो आप दोबारा इसे एडिट नहीं कर सकते। अगर आप एडिट करते भी हैं तो वो फिर इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपका ये रिकॉर्ड सर्कुलेट हो जाता है जब आप सेव करते हैं। तो परचेज इनवाइस अगर आपने प्रिंट आउट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे परचेज इनवाइस रिपोर्ट के ऊपर और आपकी ये परचेज इनवाइस प्रिंट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इस सप्लायर के ड्यूज हमारे पास आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 2160 रुपये। सप्लायर लेजर में भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, ओपनिंग बैलेंस कोई चीज़ नहीं थी, ये अमाउंट उसकी बनती थी 3,160 और हमने 1,000 रुपये उसे पे किए हैं तो 2160 रुपये हमारे पास बाकी रहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम आके पेमेंट इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आज की डेट 2160 रुपये हैं तो मैं इसे 2160 रुपये पूरे के पूरे पे कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, कैश किया है, ऑनलाइन किया है, इजी पैसा, जैज कैश, जो भी किया है वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। अब हमारे इस एम्प्लॉय की सॉरी इस सप्लायर की अमाउंट नील हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 2160 रुपये ओपनिंग बैलेंस था और हमने क्रेडिट कर दिए 2160 रुपये, तो उसकी अमाउंट पीछे नील हो चुकी है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी पेमेंट। परचेज मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप बाद में भी यहाँ पे आके अपनी परचेज इनवाइस को व्यू कर सकते हैं, प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेल इनवाइस है आपके पास, आप सेल करेंगे किसी भी आइटम को। किसे आप सेल करते हैं, स्टूडेंट को या कोई भी और पर्सन है अदर देन स्टूडेंट?
तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट करता हूँ, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे, और इसमें एक छोटा सा इशू आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे एनानिमस कर देता हूँ क्योंकि ये इशू हमारे पास फिलहाल है स्टूडेंट के हवाले से, तो वो मैं सॉल्व करके इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ूंगा। इसमें मैं ऐड करता हूँ कि मेरे पास ये पर्सन था और उसने मुझसे स्कूल बैग लिए हैं। आप देखें 12 क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, तो मैं दो इसे सेल कर देता हूँ, 10 मेरे पास बाकी रह जाएंगे और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास स्कूल बैग्स यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इस रिकॉर्ड को या इस इनवाइस को सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर आपको प्रोडक्ट लेजर दिखाऊं स्कूल बैग का, तो आप देखेंगे हमारे पास 10 ओपनिंग क्वांटिटी थी, दो हमने परचेज किए थे, टोटल हमारे पास 12 बन गए थे और फिर दो हमने सेल कर दिए हैं, तो हमारे पास बाकी 10 रह चुके हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी साथ ही साथ चलती रहेंगी। और इसी तरह अगर वो परचेज आपकी रिटर्न होती है जो आपने दो आइटम्स की थी, ठीक है, तो ये आपके जो है लेजर में भी वापस आ जाएंगे रिटर्न में। ये आप उसी तरह ये सेम जैसे हम परचेज इनवाइस बनाते हैं या सेल इनवाइस बनाते हैं, आप ऐड करके देख सकते हैं। और फिर हमारे पास है स्टॉक अवेलेबल, तो अवेलेबल में आप देखेंगे 10 क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसकी अमाउंट ये बनती है 15,800 रुपये का, यानी सामान हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मजीद आइटम्स होंगे तो वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दिए जाएंगे। उसके बाद एक्सप्लोर मोर के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक्सप्लोर मोर मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि फिलहाल मेरे पास ये एलसीडी थोड़ी वाइड है, और जो नॉर्मली एलसीडी होती हैं उनके लिए मैंने ये बनाया था, तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन रखा था कि मज़ीद आगे मेरे पास ऑन स्क्रीन चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो एक्सप्लोर मोर के ऊपर करके हम सेल एंड स्टॉक स्टेटमेंट देख सकते हैं। सेल एंड स्टॉक स्टेटमेंट आपके इन्हीं आइटम्स की जो आपने अभी भी ऐड किए हैं, जस्ट हमारे पास एक ही है स्कूल बैग, तो आपके अगर मजीद और प्रोडक्ट्स होंगे तो वो भी आपको एनलिस्ट करके दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे आज की डेट की ही स्टेटमेंट देखता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम है, उसकी परचेज प्राइस है, ओपनिंग कितने थे 10 हमारे पास थे, दो हमने परचेज किए थे, रिटर्न कोई नहीं हुआ, सेल हमने दो किए हैं, तो बाकी हमारे पास क्लोजिंग यहाँ पे मौजूद है 10 क्वांटिटी। ठीक है, आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स की सेल होती है, परचेज है वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है, इसलिए प्रिंट ऑप्शन नहीं आया, प्रीव्यू भी नहीं आ रहा। अलबत्ता एक्सपोर्ट मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि मैं शुरू से ही इसका पीडीएफ फॉर्मेट रखा हुआ है। अलबत्ता मैं इसे चेंज करूंगा ताकि मुझे किसी भी दूसरे फॉर्मेट में अगर फाइल चाहिए, जैसे एक्सेल हो गई, आरटीएफ हो गई, HTML है वगैरह वगैरह, तो मैं उसमें भी इसे एक्सपोर्ट कर सकूं। तो मैं ये रिस्ट्रिक्शन इससे इंशाल्लाह रिमूव करने वाला हूं कि पीडीएफ जस्ट पीडीएफ ना हो। ठीक है, ये हमारा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है छोटा सा, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। कोशिश की है कि बेसिक हमारे जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो जाएं, तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी विजिटर्स, उसमें हम अपनी बुक्स ऐड करेंगे, नेम ऑफ बुक है, ऑथर है, बहुत ही आसान सा है, पब्लिशर कौन है, पब्लिशिंग ईयर क्या है, साथ साथ अवेलेबल क्वांटिटी, और फिर बाकी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास अवेलेबल बुक्स में इनकी क्वांटिटी आ जाती है, और जब भी हम इशू करते हैं कोई भी बुक तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से ही हम उसे सर्कुलेट करते हैं। किसको हम इशू करते हैं, स्टूडेंट को, एम्प्लॉय को, या कोई भी थर्ड पर्सन है, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट हैं, ये हमारे पास इम्प्लॉयज़ हैं, तो हम इम्प्लॉयज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये अनानिमस पर्सन है तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब बुक हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर बुक होती या होती तो वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाती और हम जस्ट उसकी क्वांटिटी लिखते कि इशू कितनी क्वांटिटी हमने की है, एक है, दो है, या जितने भी हैं, और फिर वो क्वांटिटी हमारी लेस हो जाती हमारी टोटल बुक से जो कि हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह फिर आपके पास वो बुक वापस आती है तो आप रिटर्न के अंदर आएंगे और अपनी ये एंट्री आपने करनी होगी रिटर्न बुक के हवाले से। फिर इसी तरह हमारे पास विजिटर्स की इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे विजिटर नेम क्या है, कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और उसने किसको विजिट किया है, स्टाफ में से एम्प्लॉय को किया है या स्टूडेंट को किया है। तो स्टूडेंट है तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, अगर आपके पास इम्प्लॉयज हैं तो आपके पास यहाँ पे इम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा, और आपने इम्प्लॉय को सिलेक्ट करना होगा। फिर
फिर जब आपके पास ये चेकआउट कर जाएगा तो आपने यहाँ पे चेक करना होगा इसे क्लिक इन केस आप चेक्ड आउट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विजिटर आपका चेकआउट कर जाएगा। अगर आप नहीं करते तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद रहेगा कि इसने अभी तक चेकआउट नहीं किया। इस तरह आप फिगर आउट कर सकेंगे कि आपका ये जो विजिटर आया था अभी तक यहाँ पे मौजूद क्यों है इतनी देर के बावजूद भी। ठीक है, तो ये है हमारे पास। साथ साथ आप विजिटर रिपोर्ट भी प्रिंट आउट कर सकते हैं कि विजिटर कौन था, मोबाइल नंबर उसका क्या था, किसे विजिट किया है, कब चेक इन किया है और कब चेक आउट किया है। ठीक है, ये है लाइब्रेरी एंड विजिटर्स। उसके बाद हमारे पास है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में मैं आपको पहले ही यूजर्स दिखा चुका हूँ। डिलीट ऑल को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा। एमसीक्यूज के ऊपर हम आते हैं, तो एमसीक्यूज में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो आपके पास आ जाएगी। आज की डेट है, क्लास कौन सी है, प्ले ग्रुप, टोटल मार्क्स कितने हैं, टाइम क्या है, कौन सी टर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जस्ट फर्स्ट टर्म आई है क्योंकि हमने हमने अभी तक फर्स्ट टर्म की डेट शीट तैयार की थी। अगर हमारे पास मजीद डेट शीट तैयार होंगी तो उन सब की टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे सेकेंड टर्म, फाइनल टर्म वगैरह वगैरह, या अगर आपके पास कोई और सिस्टम चलता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2024, सॉरी। और इसी तरह इंग्लिश में इंग्लिश का सब्जेक्ट हम चूज करते हैं और उसे बताते हैं कि फर्स्ट पार्ट के कितने मार्क्स हैं। फर्स्ट के मिसाल के तौर पे मैं इसमें कर देता हूँ 20। ठीक है जी, और यहाँ पे हम आएंगे, यूनिट चूज करेंगे। अब चूंकि हमें पहले यूनिट्स ऐड करनी है, मैं वैसे ही जंप करके यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। हम आते हैं एक्सरसाइजेस के अंदर और यहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो किस्म के हमारे पास पोर्शन हैं। मैं यहाँ पे आज की डेट करता हूँ, क्लास करता हूँ प्ले ग्रुप, सब्जेक्ट इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव में यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये आई वाला। ठीक है, मैं ये करता हूँ, सॉरी, ये मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल पोएट। ठीक है, अब इसमें मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस ऐड कर देता हूँ। और इसे मैं ऐड करता हूँ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। फिर मैं दोबारा आता हूँ ऑब्जेक्टिव, यूनिट नंबर 1 हमारे पास आया हुआ है, मैं इसे करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इसे मैं करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी जो है वो इसी तरह से ही हमारा सिलसिला चलेगा। अगर आपने सब्जेक्टिव करना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आपने ऐड करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यूज में और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू रिकॉर्ड के ऊपर, क्लास प्ले ग्रुप 100 3 आवर्स, फर्स्ट टर्म 2024, इंग्लिश, और पासिंग सॉरी पार्ट 1 मार्क्स 15 मैं कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें यूनिट सेलेक्ट करनी होती है, जो भी यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट है तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई और यूनिट होगी तो उससे रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट सॉरी हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपेयर होंगे। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये आप देख सकते हैं ऐड हुआ, दूसरे क्वेश्चन को, और इसी तरह मजीद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप ऐड करते जाएंगे, आपके सीरियल नंबर्स और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगी। आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं आपका फर्स्ट पार्ट 1 जो है उसका पेपर। ठीक है, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जस्ट प्रिंट आउट करेंगे और आपका स्टूडेंट जो है उनके आगे चेक मार्क करता जाएगा कि ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा ये मैंने इसमें रखा हुआ है कि आप इमरजेंसी बेसिस पर अपना ये पेपर तैयार कर सकते हैं पार्ट 1 का। तो इनिशियली ये आपका बड़ी क्लासेस के लिए ही कारामद है, जैसे 9th और 10th के लिए या 8th वगैरह के लिए, क्योंकि छोटी क्लासेस में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। बहरहाल एक कोशिश की है कि ये चीज़ होनी चाहिए, अलबत्त वैसे कंपोजिंग नहीं हो सकती जैसे आप वर्ड के अंदर करते हैं, जाहिर है ये उस चीज़ के लिए तो तैयार बन नहीं बनी बनी गई ना एक्सेस।
कोशिश मैंने की है छोटी सी, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, प्रिंट प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं, आपका ये पेपर इस तरह से प्रिंट आउट होगा। ठीक है, आप इस तरह से अपना काम चला सकती हैं इंशाल्लाह। ये आपके एमसीक्यूज होंगे, सारे के सारे यहाँ पे आपको लिस्ट करके दिए जाएंगे, आप बाद में भी अगर देखना चाहें एडिट डिलीट प्रिंट वगैरह जो भी आप करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो एरर्स आ रहे हैं वो भी मैं साथ साथ नोट करता जा रहा हूँ ताकि मैं बाद में इन सबको हैंडल कर सकूँ। तो पेपर कंपोजर भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इसका, हालांकि कि ये इतना स्ट्रांग फुल नहीं है, अलबत्त ये है कि आप अपना काम यहाँ पे चला सकती हैं, क्योंकि जब आप पेपर कंपोज करती हैं और छोटी क्लासेस जैसे 3 हो गई 2 हो गई उनमें आपको पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट करनी पड़ती हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है। आप अभी से ही सुन लें, क्योंकि फिर बाद में दोस्त कहते हैं कि मुझे यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, मुझे कॉलम बनाना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल एक पेपर अगर बनाना चाहें एमरजेंसी बेसिस पर तो आपका वो तैयार हो जाएगा, आपको बार बार ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आता हूँ इसमें, इंग्लिश टोटल मार्क्स, टाइम अलाउड, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो भी है वो आप करेंगे, और यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम मैं करता हूँ इसको फिल इन द ब्लैंक्स, कितने मार्क्स हैं 10, पार्ट वन इसमें मैं कर देता हूँ, सेम वही मैं कर देता हूँ इस दी नहीं इसमें मैं करता हूँ ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ ऐड। अच्छा, यू एंटर्ड एक्सप्रेशन दैट हैज नो वैल्यू, नो वैल्यू कहाँ पे हमारे पास, इसको भी मैं कर देता हूँ ये, और ये हमारे पास हो जाएगा सॉरी 2 मैं इसमें कर देता हूँ 2। अच्छा, इसको मैं डीबग करके देख लेता हूँ, हालांकि मेरे पास सारी चीज़ें फील्ड हैं उसके बावजूद भी ये मेरे पास एरर आ रहा है, तो क्या एरर है? अच्छा, यहाँ पे ये एरर हमारे पास है टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स 0, चाइल्ड से मैंने यहाँ पे लिया है और फिर मैंने यहाँ पे नंबर्स इंसर्ट करने हैं। बहरहाल इसे मैं ऐसे करता हूँ कि इसे फिलहाल मैं डिसेबल कर देता हूँ, टोटल मार्क्स अच्छा शायद यहाँ पे मैंने एक कोई फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है, तो इसे मैं फिलहाल हटा देता हूँ, फिर मैं लेटर आने से देखूंगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ ऐड, ये हमारा पहला क्वेश्चन ऐड हो गया, यहाँ पे नंबर 1 हम इसे कर देंगे, हमारी मर्जी है हम क्वेश्चन जो भी रखेंगे, और उसके बाद मैं इसे भी इंसर्ट कर देता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए देख सकते हैं 2 हैं, और दूसरा हम यहाँ पे अगर इंसर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास होगा अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न इन, ठीक है, और इसके भी 2 मार्क्स करने के बाद मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह फिर हमारे पास पार्ट 3 आएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऐड करने के बाद दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लेना है। आपने 2 2 के हिसाब से 5 ऐड कर लेने हैं, आपके 10 मार्क्स इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आप ऐड करेंगे, शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, या ये हो गया, या अगर आपने मजीद कोई ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिट करते हुए तो मैं इसी को ही दूसरा करता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो हैं ये आ जाए। इसके मैं मार्क्स लेता हूँ 15, और यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए, तो आप देखेंगे ये इस तरह से हमारे पास तैयार हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह फिर तीसरा वगैरह, और ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो देख लें आप कि इसमें आपको ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, आपकी सारी की सारी चीज़ें तैयार आपको मिल जाती हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे कि जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो आप एक ही दफ़ा ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं हर क्लास के लिए हर सब्जेक्ट के लिए। ये आप देख सकते हैं प्ले ग्रुप के लिए है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। इसी तरह मजीद आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की बुक्स की एक्सरसाइजेज आप यहाँ पे ऐड कर लें, और जब आपको फिर पेपर तैयार करना हो या एमसीक्यूज पेपर तैयार करना हो मल्टीपल चॉइस का, तो वो आप इजीली यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। फिर ऑफिशियल लेटर्स जो आपके हैं वो भी आपके यहीं पे तैयार होंगे, आप आएंगे और टाइप में आपने चूज करना है, लेटर है, नोटिस है, सर्कुलर है, या कोई और चीज़ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके
ये इसमें अपना डाटा टाइप करेंगे, ये आपको ड्राफ्टिंग करके ऑटोमेटिकली सेटिंग कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखता हूँ टू द चेयरमैन वी आई एस सी जी आई खान, सब्जेक्ट क्या है, रिन्यूअल ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी आप लिखेंगे, और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट होगी दैट जो भी है, ये आपका मैटर आगे वाला आप टाइप करेंगे, और प्रिंट करने पर आपको ये सारी की सारी ड्राफ्टिंग करके देगा, आपको ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो मतलब ये हुआ अगर आपका केपीओ नहीं है, की पंच ऑपरेटर हो गया या कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, और आपने काम भी करना है, तो आप अगर आप अवेयर हैं कंप्यूटर से तो आप अपना काम चला सकते हैं बगैर ऑपरेटर के भी। जस्ट आपको टाइपिंग करनी है, अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप अपना डेटा सारे का सारा यहाँ पे विदाउट कंप्यूटर ऑपरेटर भी मैनेज कर सकते हैं, और फिर फ्यूचर में अगर आपको कोई भी लेटर रिक्वायर्ड है तो आप जस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आप सर्च करते हैं सब्जेक्ट के थ्रू या जिसको आपने भेजा है लेटर उसके थ्रू, तो ये आपको यहाँ पे सर्च करके इजीली दे देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास एसएमएस का ऑप्शन है। एसएमएस में हमारे पास स्टूडेंट एसएमएस है, इम्प्लॉयज एसएमएस है, और सेंट एसएमएस है। स्टूडेंट्स में हम आते हैं तो सबसे पहले अगर आप सर्च करना चाहें कि मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च करता हूं और मैं उसे ही मैसेज सेंड करूंगा, तो मैं इसमें आता हूं इशफाक अहमद। आप देख सकते हैं इशफाक अहमद में मुझे एक रिकॉर्ड मिला है, और मैं इसमें यहाँ पे मैसेज टाइप करके यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंड पर, तो मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं फादर नेम के थ्रू, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल, सीएनआईसी स्टेटस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप पूरी क्लास को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप पूरी क्लास सेलेक्ट कर सॉरी पूरी क्लास की सर्च करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे, आप यहाँ पे टाइप मैसेज करेंगे। मैसेज यहाँ पे टाइप करके जैसे आप सेंड टू ऑल करेंगे, इन सब के अंदर आपका मैसेज इंसर्ट हो जाएगा और सबको सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक एक करके भी सेंड कर सकते हैं, या अगर आपने मल्टीपल करना हो तो आप यहाँ पे आके टेक्स्ट मैसेज आपने चूज करना है, और मैसेज टाइप करने के बाद आपने सेंड टू ऑल करना है। अगर आप पूरे स्कूल को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो सिंपली आपने ऑल स्टूडेंट्स करना होगा। ऑल स्टूडेंट्स में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक्टिव स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे, और आप अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करके उसे सेंड कर सकते हैं। और ये भी याद रखें जब आपकी ये एक्टिविटी हो रही हो, यानी आपका मैसेज जब सेंड हो रहा हो, तो आपने कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी, बल्कि आपको माउस रिलीज करना होता है। आप छोड़ देते हैं सारी एक्टिविटीज, और जब तक आपको मैसेज नहीं आता कि आपके सारे के सारे मैसेजेस सेंड हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास एसएमएस है, स्टूडेंट एसएमएस, ये इम्प्लॉयज एसएमएस है, सेम इसी तरह से ही है जैसे स्टूडेंट का है। जस्ट आप यहाँ पे करते हैं ऑल इम्प्लॉयज, और मैसेज टाइप करना हो तो आप यहाँ पे टाइप करके सेंड टू ऑल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सेंड करने के बाद आपके एसएमएस यहाँ पे महफूज होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस को मैसेज आपने कब कब सेंड किया है। फिर सिटीज में आपको दिखा चुका हूँ, एसेट्स हैं आपके स्कूल के, एसेट्स हो गए वो किसी भी नेचर के हो सकते हैं, उनमें आपकी फर्नीचर के आइटम्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो भी चीज़ें आपकी स्कूल के अंदर हैं, चेयर्स, टेबल वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और उनकी कंडीशन भी आप नोट करेंगे। और फिर आपका जब क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली इंस्पेक्शन है, या कोई भी किसी भी दूसरे मकसद के लिए आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो आप यहाँ पे इजीली व्यू कर सकेंगे कि पिछले साल मेरे पास ये सामान पड़ा था, इस साल नहीं है, तो आपका चेक एंड बैलेंस रहेगा, और आपको पता चलता रहेगा कि मेरी क्या क्या चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, क्या चीज़ मिसप्लेस है और मुझे नहीं मिल रही वगैरह वगैरह। फिर मेरे पास मीटिंग्स का ऑप्शन है, आपकी जो भी मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, हेल्ड होती हैं आपके स्कूल के अंदर, उनका एजेंडा क्या है, प्रोसीडिंग क्या हुई है, वो सारी की सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड मीटिंग के अंदर। ठीक है, बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप में आप प्रोसीड करेंगे, आपको जस्ट ये करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन आपके पास डी ड्राइव होनी चाहिए। तीन इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी लिखी हैं, एक तो ये है कि आपके पास डी जो है वो ड्राइव होनी चाहिए, डी ड्राइव, और इसी तरह आप जब प्रोसीड करेंगे तो फिर कोशिश करें कि सिस्टम बंद ना हो। ठीक है, जैसे बाद बिजली के चले जाने से हो जाता है या कोई और इशू हो सकता है,
और ये डायरेक्टरी जो है ये आप चेंज नहीं कर सकते। डी ड्राइव जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, डी आप लीक बैकअप्स, तो सिंपली आपने क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर और आपका जो बैकअप है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये आप देख सकते हैं बैकअप हमारा तैयार हो रहा है। जब हमारा बैकअप क्रिएट हो जाएगा हमारा मैसेज आएगा और उसके बाद हमारी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमारा बैकअप मौजूद होगा आज की डेट का 27/6, ये मैंने अभी भी बनाया 7:40 और ये 7:41, ठीक है। तो ये हमारा बैकअप है, मेरे ख्याल से मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया था तो इसलिए बैकअप हमारे पास 2 बने हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा बैकअप। बैकअप के बाद क्लासेस में आपको दिखा चुका हूँ, प्रिविलेजेस भी हम देख चुके हैं, टाइम टेबल अगर आपने बनाना है तो आप सिंपल टाइम टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है जी। मंडे कौन सा सब्जेक्ट है, ये क्लास प्ले ग्रुप के लिए है, ठीक है। उर्दू, मैथ, इस्लामिया, कौन कौन से टीचर हैं, टीचर्स के नाम आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और आप उन सबको चूज करने के बाद इसे सेव कर लें, फिर आप प्रिंट आउट करना चाहें तो ये आपके पास प्रिंट में इस तरह से आ जाएगा प्ले ग्रुप के लिए। बाकी भी जितनी क्लासेस आपकी हैं उन सब के लिए आप बना सकते हैं और ये आपके पास यहाँ पे महफूज रहेंगे, ठीक है जी। डेट शीट हम पहले ही बना चुके हैं, डिजिग्नेशंस हमारे पास हैं कि प्रिंसिपल या जो भी बाकी डिजिग्नेशंस आपके पास हैं स्कूल के अंदर, जूनियर टीचर हो गया, सीनियर टीचर है, उनकी बेसिक पे क्या है और लीव्स कितनी अलाउड हैं, तो ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो हमारी बेसिक पे जो है वो यहीं से ही जाती है और लीव्स भी यहीं से ली जाती हैं। तो ये आप एक दफ़ा ऐड करेंगे और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आपकी होंगी उन सब के लिए आपको ऑटोमेटिकली लीव्स और बेसिक पे लुकअप करके दी जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोफाइल है, सब्जेक्ट्स में आपको दिखा चुका हूँ, डिजाइनर का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। जो मैं शुरू में आपको मैंने कहा था कि आप स्टूडेंट आईडी कार्ड, सर्विस आईडी कार्ड और रिजल्ट कार्ड अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं, ये उसी के लिए यहाँ पे मैंने बनाया है डिजाइनर। यूजिंग डिजाइनर यू कैन डिजाइन सर्विस कार्ड एंड स्टूडेंट आईडी कार्ड एक्सेट्रा, डैशबोर्ड विल बी क्लोज्ड इन केस ऑफ यूजिंग डिजाइनर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, मैं इसको करता हूँ येस। और वो मुझसे पूछता है कि आप क्या चीज़ डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कार्ड है। अब इफ डिजाइन विल नॉट शो देन गो टू सेटिंग्स प्रिविलेजेस एंड अपलोड कंसर्न डॉक्यूमेंट्स, तो हमें पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी चाहिए फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आता हूँ प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल नहीं है, प्रिविलेजेस, अपलोड्स, लोगो मैंने दिया था, स्टूडेंट आईडी कार्ड में यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास होगा स्कूल और अलगजाली। अब मेरे पास इसकी शायद जेपीजी फाइल नहीं पड़ी हुई, फ्रंट और बैक के लिए, तो मैं आपको वैसे ही एक पिक्चर लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे काम करता है। डेस्कटॉप के ऊपर मैं आता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी कोई पिक्चर मौजूद नहीं है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डिज़ाइन हम ले लेते हैं ताकि हमें हमें चीज़ें समझ आ सकें। मैं आता हूँ वर्क फोल्डर में स्कूल्स, इसमें मेरे पास कार्ड डिज़ाइन होगा, तो ये है ये वाला, देख लेते हैं ये कौन सा है, क्योंकि मैं एक ही क्लास मैंने सॉरी एक ही स्कूल मैंने पिक किया हुआ है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि उसी की ही हमारे पास आए जी। ये मेरे पास है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, फ्रंट और उसका बैक, तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। मैं ऐसा करता हूँ इसी को एक्सपोर्ट करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर फ्रंट
जेपीजी और एक्सपोर्ट आरजीबी, और ये मेरे पास बैक के लिए है तो मैं इसे करता हूँ एक्सपोर्ट बैक आरजीबी और ओके। तो ये बेसिकली जो बनाया गया है ये इस मकसद के लिए बनाया गया है कि इसमें जस्ट फ्रंट के ऊपर हमारे रिकॉर्ड हो, जैसे चेस्ट कार्ड हमारा होता है। बहरहाल मैं वैसे ही आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल उसका वो नहीं है कि मैं कंफर्म आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले डिज़ाइन तैयार करना होगा। अलबत्त ये भी है कि ये जो हमारे पास इसकी लिखाई आ रही है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही डिज़ाइन करेंगे। तो प्रिविलेजेस के अंदर मैं आके इसे ओपन करता हूँ, अपलोड में आके स्टूडेंट आईडी कार्ड फ्रंट डेस्कटॉप, ये मेरे पास हो गया फ्रंट और ये मेरे पास हो गया बैक, ठीक है। अब मैं आता हूँ डिज़ाइनर के ऊपर, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट आईडी कार्ड। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहे हैं, और गो टू डिज़ाइन जब हम करेंगे तो हमारी ये जो रिपोर्ट है ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी। अब आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, ये हमारा एड्रेस है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें विलेज गुल शेराबाद डेरा इसमाइल खान, और साथ साथ स्कूल का नेम भी है, ये है स्कूल का नेम। तो हमें यहाँ पे स्कूल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये जो दोनों हमने लिखी हैं ये ज़रूरी नहीं थे, साथ साथ हमारे पास लोगो भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो लोगो की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं इसे क्लोज करता हूँ, नो कर देता हूँ, सेव मैं नहीं करता, और मैं वापस आता हूँ अपनी कोरल की फाइल के ऊपर। यहाँ पे टेक्स्ट मैं डिलीट करता हूँ, साथ साथ मोनोग्राम भी डिलीट कर देता हूँ। अलबत्त ये है कि बैक पे हमारे पास यहाँ पे इसका डेटा था स्टूडेंट आईडी कार्ड का, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बस मेरे पास ये चीज़ें आनी चाहिए बैक के ऊपर। तो फ्रंट को मैं दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ, फ्रंट यस आरजीबी ओके, ठीक है। वापस आते हैं हम प्रिविलेजेस के ऊपर, 1 2 3 अपलोड्स फ्रंट, ठीक है। और अब मैं आता हूँ डिजाइनर के ऊपर, स्टूडेंट आईडी कार्ड गो टू डिजाइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये नेम है, यहाँ पे हमारे पास स्कूल का एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इजीली आप मूव कर सकते हैं अपनी एरो कीज के जरिए ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी आपने करना है, और आप अपनी मर्जी से इसे मैनेज कर सकते हैं। ये आपका मोनोग्राम बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप इसे जस्ट थोड़ा सा रीसाइज कर दें ताकि ये उस दायरे में आ जाए ऐसे। अच्छा, इसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये मौजूद रहेगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी बैक पे आ रही है। तो अगर आपका बैक भी इसी तरह होता जैसे फ्रंट है तो फिर आपका ये डेटा आता, लेकिन चूंकि चेस्ट कार्ड है इसलिए मैं बाकी की ये जो चीजें हैं यहां से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा नेम क्लास और इशू डेट एक्सपायरी डेट, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, ये हमारा कार्ड हो गया तैयार और हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें अगर प्रिंट आउट करने होंगे तो हम स्टूडेंट्स के अंदर आके एडिट व्यू स्टूडेंट आईडी कार्ड, अच्छा स्टूडेंट आईडी कार्ड शायद मैंने यहाँ पे नहीं रखा जो कि होना चाहिए था, जरूरी है। व्यू के अंदर भी शायद नहीं है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। तो हम आते हैं सेटिंग्स में और हमारे पास ऑप्शन है रिपोर्ट्स का, बल्कि यहाँ पे है पैनल में रिपोर्ट्स, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये हो गया स्टूडेंट आईडी कार्ड ओपन। तो इसमें आप देखेंगे आपकी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपेयर होंगी, और ये आपको ऑन स्क्रीन ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं कि जैसे ये लाइन उसके अंदर घुसी हुई है, वैसा कुछ भी नहीं है। जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी इंशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। एक और काम भी आप कर सकते हैं, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो इसी फाइल को आपने एक्सपोर्ट करना है इनटू पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीडीएफ डेस्कटॉप और पब्लिश, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दी है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं सिंपली कोरल के अंदर इस फाइल को ले आऊंगा। कोरल के अंदर हम कैसे लाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और कंट्रोल आई प्रेस करते हैं इंपोर्ट के लिए, या फाइल के ऊपर जाके आप इंपोर्ट ढूंढ सकते हैं।
और इस कोरल की फाइल को हम एज अ कर्व्स यहां पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो गई फाइल, सारी सेटिंग आपकी हुई पड़ी होगी, कोई पिक्सल खराब नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता ये मैंने जब एक्सपोर्ट की है तो पिक्चर क्वालिटी मैंने सेट नहीं की थी, इसलिए ऐसा आ रहा है। आप कोशिश करें कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी उसकी ज्यादा दें, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड्स आपके पास नजर आ रहे हैं सिंपली आप इन्हें रिमूव कर देंगे और मोनोग्राम जो आपका है वो आप इसे, अच्छा मोनोग्राम में भी आपके पास वाइट टेक्स्ट आया, ये शेड आया हुआ, ठीक है, ये आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये बहुत ही आसान सा काम है, ये आपने करना है, या फिर आप नया मोनोग्राम भी लगा सकते हैं। तो बाकी सेटिंग आपकी ओके होगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और आप प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने कार्ड्स को, ठीक है जी। ये आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड, और फिर इसी तरह हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप बेसिकली अपनी मेन टेबल्स के ऊपर कर सकते हैं। मेन मैंने इसलिए कहा है कि आपकी वो टेबल जो सोल है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे इम्प्लॉयज हो गए, वो सिर्फ सिंगल सिंगल आपकी टेबल है, उससे कोई भी रिलेटेड डाटा नहीं है। रिलेटेड डाटा जैसे आपके पास रिजल्ट अगर आप चूज करते हैं तो आपको रिजल्ट के साथ रिजल्ट का डाटा भी इम्पोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, और उनकी लिंकिंग जो कि होती है एक टेबल की दूसरी टेबल के साथ, तो आपको वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप अगर स्टूडेंट्स की हद तक, इम्प्लॉयज की हद तक अपने रिकॉर्ड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकियों को आप ना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पे वैसे ही सारे रख लिए हैं, जैसे एक्टिविटीज़ हैं ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इसी तरह आपके पास सब्जेक्ट्स नहीं है तो आप सब्जेक्ट्स भी ला सकते हैं सारे के सारे, और फिर डेजिग्नेशन अगर आपके पास हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे जो आपके पास सिंगल टेबल है वो आप इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे लेसन प्लानर है, लेटर कंपोजर है, वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें आता हूँ, आपको स्टूडेंट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाता हूँ कि आपने कैसे करनी होगी। अभी तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स ऐड हुए पड़े हैं, यानी दो रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐड हुए पड़े हैं स्टूडेंट्स के, तो बेहतर ये है कि आप एक रिकॉर्ड मैनुअली ऐड करें फिर उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर हम आते हैं, स्टूडेंट्स न्यू, इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड स्टार वाली फील्ड है, रेड स्टैरिक वाली, वो हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। अगर आप वो नहीं लिखते तो आपका डाटा इम्पोर्ट नहीं होगा। इस मकसद के लिए आप एक रिकॉर्ड मैनुअली इंसर्ट करें, जैसे हमने ये रिकॉर्ड ऐड किया था, और फिर आप सेटिंग्स के अंदर आके इसे एक्सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट्स की टेबल और मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। ये डी ड्राइव में गई है, डी ड्राइव में हमारे पास ये एक्सपोर्ट होके गई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ डी। तो आप इसकी लोकेशन चेंज ना करें, ना ही इसका नेम चेंज करें, ना ही इसका फॉर्मेट चेंज करें। ये हमारे पास 97/2003 की वर्कबुक है, इसे आप किसी भी तरह चेंज ना करें, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप अपना डाटा यहाँ पे नीचे टाइप करें, जैसे तीन नंबर आता है, फैमिली आईडी मैं इसको कर देता हूँ टू, मिस्टर, ठीक है, सेम यही है हमारे पास, इसका एड्रेस भी मैं यही करता हूँ, प्रोविंस आईडी में आप देखें हमारे पास केपीके आ रहा है। तो इसी चीज को आप फॉलो करते हुए जब अपना डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब प्रोविंस आईडी यूजर देख के ये समझता है कि इसमें मुझे नंबर लिखना है, लेकिन चूंकि वहां पे कम बॉक्सेस बनी हुई हैं और लिंक हमारे पास हुए पड़े हैं, तो ऊपर आपके पास जो चीज आ रही है आपने उसी को फॉलो करना है। अगर आपके पास केपीके का ये स्टूडेंट नहीं है तो आप सिंपली इसको सिंध करेंगे, आगे भी आपने सिंध करना होगा, ठीक है। अब सिंध में आपके पास वो सिटी यहाँ पे आप टाइप करेंगे, लेकिन ये भी आपने देखना है कि आपके पास उन सिटीज के अंदर, उन प्रोविंसेस के अंदर ये सिटी होना जरूरी है। जैसे सिंध के अंदर मैं आके देखता हूँ, कराची मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये हो गया। समवेयर मैं इसको कर देता हूँ, बाकी उसकी क्लास है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लास आईडी में हमारे पास क्या है, नर्सरी लिखा हुआ है, हालांकि आईडी होनी चाहिए थी। बहरहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं करता हूँ प्रेप, प्रेप दोनों में आपने टेक्स्ट लिखना है, ना के नंबर आप लिखेंगे। मैं इसको सेक्शन करता हूँ बी, यस 92,
ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आप ये नंबर नंबर आप देख लेंगे स्टूडेंट्स के अंदर अगर मैंडेटरी है, ठीक है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। बाकी की चीजें इसमें हमारे पास एक्टिव की फील्ड जरूरी है, एडमिशन नंबर जरूरी नहीं है, बस बाकी चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये बाकी चीजें जरूरी नहीं है इसलिए मैं इन्हें फिल नहीं करता। अब मैं आता हूं 4 नंबर के ऊपर, उसमें मैं करता हूं फैमिली आईडी 3 और ये मेरे पास होगा मिस्टर, ठीक है, शहीरुल हसन। और ये जो ऊपर वाले मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं क्योंकि वो मेरे पास पहले से हैं। आपके पास जो पहले से होंगे वो आप डिलीट करेंगे, ये आप याद रखें, अगर आप नहीं करेंगे तो रिप्लेस नहीं होंगे, मैंने उसमें कोड लगाया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके लिए मसला पैदा हो। और अब मैं आता हूँ सिटीज के अंदर, इसमें मैं सिटी देखता हूँ कोई और, हमारे पास सिंध में हैदराबाद है तो मैं इसको हैदराबाद कर देता हूँ, सॉरी ये हमारे पास आएगा सिंध और ये हैदराबाद। ओहो आगे इसे मैं करता हूँ क्लास प्ले ग्रुप, ठीक है, और ये मेरे पास होगा एक्टिव, बाकी चीजें जरूरी नहीं है, ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस शीट को क्लोज करता हूँ। अब हम आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वापस, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की वही टेबल जो मैंने एक्सपोर्ट की थी वो मैं सेलेक्ट करूंगा और सिंपली इंपोर्ट डाटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड्स हैव बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, हमारे स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, कोई चीज मैंने छोड़ दी होगी शायद, इंपोर्ट डाटा इंपोर्ट हुए हैं उसके बावजूद भी, तीन और चार नंबर आईडी हमारे पास है, बाकी फील्ड्स भी हमने फिल की हुई हैं, एक्टिव भी है। तो इसमें मैं जस्ट ये देखता हूँ कि कौन सी फील्ड मैंने छोड़ी है, कहीं ऐसा ना हो मैंने कोई मैंडेटरी फील्ड छोड़ दी हो। आईडी, फैमिली आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, प्रोविंस, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है तो जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होगी तो हम उसे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मैं आता हूँ यहाँ पे बर्थ डेट, ये है बर्थ डेट, इसको मैं आज की ही डेट दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आता हूँ सेटिंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टूडेंट्स, इंपोर्ट डेटा। चले मैं इसको चेक करता हूँ थोड़ी देर तक ये क्या इशू है। बहरहाल आपके ये रिकॉर्ड्स इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं, बाकी जगह मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे शायद कोई इशू होगा क्योंकि वो हमें एरर भी नहीं देता है, कि एरर हैंडलर भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेसन प्लानर भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, आप क्लास वाइज लेसन प्लानर तरतीब दे सकते हैं, जनवरी में क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, फरवरी में, मार्च वगैरह में, ये आपके सारे के सारे मंथ हैं, जिन मंथ्स में आप पढ़ाएंगे वो आप लिखेंगे, बाकी को आपने छोड़ देना है, जैसे कि समर वेकेशन चलती हैं। और फिर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे अगर नोट करना चाहें तो ये आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। लास्ट में आपके पास ऑप्शन है एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज में आपको दिखा चुका हूँ, बिल्कुल बॉटम में राइट साइड पे आपके पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसमें आपकी वेरियस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए आपको अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट मोड में है और आप अपनी जो भी रिपोर्ट ओपन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये पेपर मौजूद है पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव वाला, रिजल्ट कार्ड आपने ओपन करने हो। अब सवाल बाज लोग करते हैं कि मुझे रिजल्ट कार्ड प्रिंट आउट करने हैं क्लास के लिए, किसी एक क्लास के लिए, तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्लास के ऊपर राइट क्लिक करके टेक्स्ट फिल्टर कर सकते हैं और जो भी आपकी क्लास होगी वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके फिल्टर होके वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अभी चूंकि हमारे पास ये मौजूद नहीं है क्लास, इसलिए इस तरह से हमारे पास ये अपेयर हो रहा है, बाकी भी इसी तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं, ये हमारी रिपोर्ट्स हैं। अलबत्ता रिजल्ट कार्ड देखकर मुझे एक चीज़ याद आई है कि हमें
या फिर रिजल्ट कार्ड भी डिजाइन करना है, तो उस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर विलेजेस में रिजल्ट कार्ड के लिए तो लोकेशन नहीं है, ठीक है, तो हम आते हैं डिजाइनर, रिजल्ट कार्ड, गो टू डिजाइन। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं की, तो वो कहता है कि आप पहले अपलोड करें, और इसका लिंक शायद मैं भूल गया हूँ क्योंकि प्रिविलेजेस के अंदर इसकी लोकेशन मौजूद नहीं है। हम आते हैं प्रिविलेजेस और अपलोड्स में, आप देखें यहाँ पे हमारे पास लोकेशन नहीं है फॉर रिजल्ट कार्ड, तो मैं ये लिंक देता हूँ, इंशाल्लाह फिर उसका भी सेम उसी तरह ऑप्शन होगा जैसे हमने अभी अभी स्टूडेंट आईडी कार्ड तैयार किया है। फिर बाटम में हमारे पास ऑप्शन है बैकअप का, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए बैकअप तैयार कर सकते हैं जो हमने अभी अभी बनाया है, और लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है अबाउट अस का, तो आप मेरे मुतालिक देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके मुझे देखना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और उसके बाद मेरे पास फेसबुक का पेज है, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो आपको ये लिंक भी दिया जाएगा, स्पेसिफाइड फाइल नहीं ओपन हो रही, बार ये मैं देखता हूँ, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, तो इसमें इससे मेरी सारी की सारी वीडियोस रिसेंटली डिलीट हो चुकी हैं ड्यू टू सम हैकर्स एक्टिविटी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन रह गया है वो है डिलीट ऑल डाटा का, तो ये मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बिल्कुल एंड पे दिखाऊंगा क्योंकि हम अपनी इस डेटाबेस को रीसेट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको दोबारा यहाँ पे ले आया हूँ डिलीट ऑल डाटा। यहाँ पे मेरा जो यूजर है जिसकी मदद से मैंने लॉग इन किया हुआ है वो आएगा, आप देख सकते हैं आफ्ताब मंजोया, और इसकी मदद से मैं लॉग आउट सॉरी मैं अपना डाटा डिलीट कर सकता हूँ आफ्टर एंटरिंग माई पासवर्ड। तो ये हमारे पास एग्जिट, लॉग आउट और कैंसिल का ऑप्शन है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता था क्योंकि पासवर्ड देने के बाद तो हमारा सारा के सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, और मैं अपनी वीडियो को क्लोज करने वाला हूँ, यहीं पे कंक्लूड करने वाला हूँ, तो मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो टर्म्स और कंडीशंस मैंने ऊपर दी हैं ये सारी की सारी मुझे कबूल हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, मेरी रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई है, और अब मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूंगा और उसके बाद मैं आगे जाके अपनी डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकूंगा। रन एज ट्रायल का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी, और इस फर्स्ट ट्राई में आप देख सकते हैं मेरे पास सारी की सारी चीजें डिसेबल हैं क्योंकि मुझे प्रोफाइल तैयार करनी थी जो मैंने अभी अभी कैंसिल की है। तो ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी, बड़ी मेहनत के बाद मैंने तैयार की है, काफी अरसे से मैं बना रहा था, और जितने भी मेरे कस्टमर्स थे जो मेरे भाइयों की तरह हैं वो मुझसे लेते थे और फिर मुझे सजेशन देते थे कि आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लें, आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लें, तो सबका मिक्सचर मैंने एक ही जगह इकट्ठा किया है, कोशिश की है कि एक अच्छी चीज़ मैं अपने दोस्तों को दूँ, कस्टमर्स को दूँ, ताकि वो अपने काम को आसान कर सकें। तो अगर आपको पसंद आई है मेरी ये काविश तो लाइक का बटन प्रेस करें, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, मेरा नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अगर कोई भी दोस्त परचेज करना चाहे ओपन सोर्स या लॉग फाइल रनिंग हालत में अगर वो मुझसे लेता है तो भी वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मेरा इसी नंबर पर ही व्हाट्सएप है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।